हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब की बार नॉर्सेट पर नॉर्सेट श्योर सिलेक्शन क्लास MSN मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। पिछले चार क्लासेस का जबरदस्त रिस्पॉन्स टीम JINC की तरफ से MSN पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड देन इमरजेंसी OT ICU पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड ऑलरेडी ओवर हो चुका है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम देन स्केलेटल सिस्टम। इन दोनों सिस्टम पे बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQ हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जहां इमेज भी होगा, वीडियोस भी होंगे, बेसिक भी होगा और एनक्लेक्स पैटर्न भी होगा। आई होप कि नेक्स्ट 2 to 3 hours का सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है और हर एक इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने पुट किए जाएंगे। तो बच्चों, क्लास को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करना ना भूलें, ताकि जरूरतमंद बच्चे इसका फायदा उठा सके। जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पाए वो बच्चे इसके फायदा उठा सके और अपने सपनों में 4 चांद लगा सके। तो शेयर इट एवरीवन राइट नाउ। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रदीप हुड्डा, शिवानी, सरोज, महेश, श्वेता, रानी, गौरी प्रजापति, संगीता, सबीता, आर्टिस्ट अनी, JINCN, विश्वनाथ, यूनिक, रघुवीर, हेमंत, आप सभी को JINC परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। फाइनली आज के इंपोर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करें बच्चों, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते। जो भी करना खुद के दम पे करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया याद रखती है। बच्चों, जो भी आप कर रहे हो, जो भी करना, अपने अपनी ट्रस्ट पे, अपने हार्डवर्क पे करना, क्योंकि मेहनत को दुनिया सलाम करती है। शॉर्टकट लंबे समय तक सर्वाइव नहीं होने देता बच्चों। तो जिंदगी में हमेशा जो भी करना खुद के दम पे करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया याद रखती। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और आप सभी जो भी JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, नॉर्सेट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी 2021 में इतिहास रचने वाले हैं। और न्यू ईयर के साथ गुड न्यूज भी आएगी नॉर्सेट में सिलेक्शन की बच्चों। फिर आप और हम मिल बैठ के करेंगे दिवाली सेलिब्रेशन। तो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें, जहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करें। और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट वो पॉइंट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वर्क करती एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। कि कौन सी वो गैस है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के रूप में काम करती है। एग्जाम में O2 भी पूछते हैं, एग्जाम में CO2 भी लिखा होता है, एग्जाम में नाइट्रोजन और अदर गैस का नाम भी लिखा होता है। तो दैट वी कैन से CO2। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वन मोर इंपॉर्टेंट MCQ, CO2 गैस विल यूज फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। एवरीबडी नो वेरी वेल, जब हम पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, स्पेशली एब्डोमन में जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो एब्डोमन को डिस्टेंड करने के लिए हम कौन सी गैस को एब्डोमन में भरते हैं बच्चों, CO2। कौन सी गैस को एडमिनिस्टर करते हैं, CO2 को, जिससे इनर ऑर्गन या एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन को इजिली विजुलाइज कर सके बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैंने लिखा नॉर्मल इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो एग्जाम में पूछते हैं, तो 1:2 लिखना बच्चों, नॉट 2:1, 1:2। शुक्रिया गजेंद्र। इन पर्सली ब्रीथिंग में रेशियो बदल जाता है, 1:3 हो जाता है बच्चों। पर्सली ब्रीथिंग का पर्पज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्सली ब्रीथिंग का पर्पज होता है टू रिमूव सीओ टू। और स्पेशली पेशेंट सफर विद COPD, यदि COPD का पेशेंट है और COPD के पेशेंट में लंग्स में CO2 बढ़ता है और CO2 को रिमूव करना होगा, तो हमें पेशेंट को पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाना होता है बच्चों। पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है, जब आप ब्रीथ इन करोगे तो बच्चों नोज के द्वारा करोगे, जब आप ब्रीथ को आउट करोगे तो बच्चों माउथ के द्वारा करोगे। ब्रीथ इन बाय द नोज, ब्रीथ आउट बाय द माउथ, इस तरीके की ब्रीथिंग को
पास लिप ब्रीथिंग बोलते हैं बच्चों, नाक के द्वारा सांस लेना, मुंह के द्वारा छोड़ना, दैट मैकेनिज्म पास लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का पर्पज होगा टू रिमूव CO2 फ्रॉम द लंग्स, टू रिमूव CO2 फ्रॉम द लंग्स। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना बच्चों, ये नॉर्सेट में पूछा हुआ MCQ है, नॉर्सेट 2020 में पूछा हुआ MCQ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इट मे बी आस्किंग अगेन, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन को भी फोकस्ड स्टडी करना है, नए MCQ को छोड़ना नहीं है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता, देखिए हमें वाइटल कैपेसिटी पढ़ना, इंस्पायरेटरी पढ़ना। शुक्रिया प्रदीप वर्मा, थैंक यू गजेंद्र, थैंक यू सो मच, थैंक यू नागेश, वेरी गुड आफ्टरनून रिया। मलिका, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता, इज एयर इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल इनहेलेशन टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एयर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और बच्चों टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन, फटाफट आपको आंसर लिखना है। मैंने पूछा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता, ए बी सी मीनिंग लिखा हुआ है, अमाउंट आपसे पूछे हैं तो आपको 3000 ml लिखना है, ये एक एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम है। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, ए बी सी डी, थैंक यू तुषार, ए बी सी डी चार ऑप्शन है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मीनिंग मैंने आपसे पूछा है, क्या बात है बदमाश बच्चों, डी सबने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन। देखिए सभी को पता है टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल सकते हैं दैट वी कैन से 3000 ml, एवरीबडी नो। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछते हैं तो 1200 ml, और रेजिडुअल कैपेसिटी पूछते हैं तो भी 1200 ml, तो भी कितना होता 1200 ml। तो ये MCQ जो पूछा है आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर पुट किया बच्चों, सुपर पार्टिसिपेशन, मैंने क्लियर पुट किया है, 3000 एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टाइडल वॉल्यूम, मैंने नॉर्मली ऑलरेडी आपको बता रखा 500 ml होता है, एग्जाम में कभी कभी पर केजी पूछते तो आपको 7 ml पर केजी मेंशन करना है। शुक्रिया रिंकू रॉय डोनेटिंग 100 rupees टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड, थैंक यू रिंकू फॉर योर लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट, यू ऑल्सो पार्टिसिपेटेड ऑलवेज और आई होप यू विल बी सेलेक्ट इन कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखिए टाइडल वॉल्यूम आपने अच्छे से पढ़ा, एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपायर्ड आफ्टर रेगुलर इंस्पायरेशन, रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आपको बताया बच्चों 1200 ml होता है, और ये COPD में बढ़ता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ये क्वेश्चन एग्जाम का। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब देखिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है सपोज ये पेशेंट के लंग्स ध्यान से देखना बच्चों, एक्सपायरेशन के बाद में जो एयर लंग्स में बच जाता है, जो एयर लंग्स में बच जाता है एक्सपायरेशन के बाद में, दैट वी कैन से रेजिडुअल वॉल्यूम। और COPD में एक्सपायरेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, तो डेफिनेटली रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ओके फाइन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आपको 1200 ml बताया, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने आपको लगभग 3000 ऑलरेडी बताया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टोटल लंग कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, सब कुछ वॉल्यूम पुट किया होगा और आपसे पूछ लेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। देखिए टाइडल वॉल्यूम आपने अभी देखा, टाइडल वॉल्यूम आपके पास 500 ml था प्लस रिजर्व, देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम आपके पास 1200 ml था प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास 1200 था प्लस इंस्पायरेटरी आपके पास 3000 ml था, टोटल को जब आप जोड़ोगे तो बच्चों 5900 के आसपास आता है, और वहीं टोटल लंग कैपेसिटी कितना है 5800 से 6000 ml। कभी कभी आपको लीटर में पूछते हैं बच्चों तो आपको 6 liter लिखना है, कभी कभी एग्जाम में व्हाट इज द नॉर्मल लंग कैपेसिटी इन लीटर में पूछे। शुक्रिया भगवान मीना, शुक्रिया, टोटल लंग कैपेसिटी लीटर में पूछे तो 6 liter लिखना,
एमएल में पूछे तो 5800 से 6000 ml पुट करना बच्चों. ओके फाइन. स्पारोमीटर विल यूज टू मेजर द टोटल लंग कैपेसिटी. अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. डिवाइस मैंने पुट किया है कि विच डिवाइस विल यूज टू टोटल मेजर टोटल लंग कैपेसिटी. स्पायरोमीट्री. स्पायरोमीट्री वी कैन से विल यूज. स्पायरोमीट्री विल यूज टू मेजर टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी न्यूबॉर्न में कभी कभी पूछ लेते बच्चों 150 ml, अडल्ट में 6000 ml. फर्क देखना, फर्क देखना. एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी न्यूबॉर्न में कितना होता है जब बच्चा पैदा होता है. पैदा होने के बाद अगले 7 दिन के बच्चे को न्यूबॉर्न बोलते हैं, 7 से 28 दिन के बच्चे को नियोनेट बोलते हैं. याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है बच्चों. ओके फाइन. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज के लेक्चर में मैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बनने वाले इमेज बेस्ड एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, प्रीवियस एमसीक्यू, सब कुछ रिवाइज करवाने वाला हूं. सब कुछ रिवाइज करवाने वाला हूं. आपको स्टे करना है, आपको टिके रहना है नेक्स्ट 2 to 3 hours. और आई होप आज के बाद नॉर्सेट के लिए दोनों सिस्टम परफेक्टली 2 hours or 3 hours में प्रिपेयर हो जाएंगे. अब सोचिएगा, जब आप 2 या 3 घंटे में 2 सिस्टम को प्रिपेयर कर सकते हो तो नॉर्सेट दूर नहीं होगा बच्चों. पेशेंस रखिएगा, पॉजिटिव रहेगा. और एक बार इस इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करना ना भूलें, क्यों दैट विल बी फ्री फॉर एवरीवन और सबको बेनिफिट मिले, ये कोशिश रहेगी मेरी. तो फटाफट बच्चों एक बार शेयर करें. और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया, और लाइक इट एवरीबडी. यस यस दैट आई वॉन्ट. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि विच रेस्पिरेटरी मेजरमेंट नॉर्मली इज द ग्रेटेस्ट. ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि कौन सा रेस्पिरेटरी मेजरमेंट है जो ग्रेटेस्ट है. हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को सबसे ज्यादा मान सकते हैं क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. आपको अच्छे से पता है रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने आपको 1200 ml बताया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मैंने आपको 3000 ml बताया, एक्सपायरेटरी मैंने आपको 1200 ml बताया, वाइटल कैपेसिटी मैंने यहां पर पुट नहीं किया अभी तक. अब आप मुझे आइडियली बता सकते हो कि एग्जैक्टली विच रेस्पिरेटरी मेजरमेंट इज नॉर्मली द ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे अधिक. ज्यादातर बच्चों का आंसर यहां पर डी मिल रहा है. डी मिल रहा है, क्या बात है बच्चों. वाइटल कैपेसिटी, देखिए यहां लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं क्लियर मेंशन कर रहा हूं, लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी में फर्क क्या है. वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल कितना होता है. एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. And then you will be ready to give the right answer. मैं क्लियर मेंशन किया, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपल फ्रॉम लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन. मतलब मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद जो एक्सेल करते हैं हम एयर को, उसका अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी. मतलब लगभग 3500 से 4500 ml या 3 to 5 liter. That year competitive exam MCQ. यहाँ आपको मैंने अलग अलग वॉल्यूम बताया तो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी 3500 से 5000 के आसपास है. तो 3500 से 4500 एग्जैक्ट हम वैल्यू मानते हैं. और एवरेज लीटर में पूछे तो 3 to 5, मैंने क्लियर लिखा है 60 to 70 ml पर केजी. 1 kilo पर्सन को 60 से 70 ml, 70 ml उस पर्सन की वाइटल कैपेसिटी होगी. फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको जब जोड़ेंगे एक्सपायरेटरी हो गया 1200, इंस्पिरेटरी हो गया 3000 और टाइडल वॉल्यूम हो गया 500, दैट यू कैन सी. बट ये एवरेज जब निकालोगे लगभग 3500 के ऊपर आएगा. तो 3500 से 4500 ml होगा. अब वाटर सील ड्रेज यहां लिख रहा हूं बच्चों, नॉर्सेट ध्यान से देखना बच्चों. नॉर्सेट 2021 एमसीक्यू पुट कर दिया है. याद रखना, प्रवीण मेघवाल डोनेटिंग 50 rupees टूवर्ड JINC स्टूडेंट फंड. थैंक यू प्रवीण फॉर योर लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन. बच्चों लिखा है नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू वाटर सील ड्रेनेज पे क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं. क्या एमसीक्यू बनेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं. बहुत केयरफुली इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों हम. वाटर सील ड्रेनेज और क्लोज चेस्ट ड्रेनेज हम बोल सकते हैं. मेन पर्पज है टू प्रिवेंट एटमोस्फियरिक एयर एंट्रिंग इनटू द प्लूरल स्पेस. मतलब सीधा है, ये आपका लंग्स है,
ये आपका लंग्स है और लंग्स में ये प्लूरल स्पेस है बच्चों, इस प्लूरल स्पेस में एटमोस्फेरिक एयर को एंटर होने से प्रिवेंट करने का काम करता है वाटर सी ड्रेनेज सिस्टम। हियर यू कैन सी रिटर्न प्रेशर टू इंट्रा प्लूरल स्पेस टू द एक्सपांड लंग बाय द रिमूविंग प्रेशर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। खास बात देखिएगा, अब मैंने यहां पर क्वेश्चन भी साथ में पुट किया है, रिमूव ऑफ एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस ट्यूब इज इंसर्टेड एट। ध्यान से देखना बदमाश बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की कोशिश करना। मतलब ये पेशेंट का लंग्स है, ये पेशेंट का लंग्स है और ये पेशेंट के लंग्स की दोनों लेयर है। बाहर वाले को हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा और बीच का जो स्पेस दिख रहा है स्पेस को बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल कैविटी, याद रखिएगा। और इसी प्लूरल कैविटी में लगभग 15 से 20 ml सर्फेक्टेंट पाया जाता है, 15 से 20 ml सर्फेक्टेंट पाया जाता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, यहां मैंने क्लियर मेंशन किया कि पेशेंट को एयर रिमूव करना। देखिए हमेशा एयर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर की ओर रहेगा, एयर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर की ओर रहेगा, फ्लूड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर रहेगा। मैंने आपसे पूछा है कि हमें एयर को रिमूव करना है, कहां रिमूव करना है? प्लूरल स्पेस से। तो हम कैथेटर को इंसर्ट कहां करेंगे? बच्चों गलत नहीं होना चाहिए, कैथेटर को इंसर्ट। शुक्रिया प्रियंका डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू बच्चा प्रियंका डोनेटिंग 40 रुपीज टूवर्ड JINC स्टूडेंट फंड। अब क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया, सेकेंड और थर्ड इंटरकोसल स्पेस। बिल्कुल बच्चों, सेकेंड और थर्ड इंटरकोसल स्पेस में, सेकेंड और थर्ड इंटरकोसल स्पेस में हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव एयर, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव एयर। और वही मैं यदि फ्लूड की बात करूं तो बच्चों ये 7th और 8th इंटरकोसल स्पेस में इंसर्ट करते हैं, और किसको रिमूव करते हैं बच्चों? फ्लूड को। और ये फ्लूड कौन हो सकता है? ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, किसी भी टाइप्स का फ्लूड हो सकता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन, इंटरमिटेंट बल्बिंग इन द वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेटिंग। देखना रे बदमाश बच्चों, क्वेश्चन कहता है इंटरमिटेंट बबलिंग, इंटरमिटेंट बबलिंग जो है वाटर सील ड्रेनेज में, इंटरमिटेंट बबलिंग जो वाटर सील ड्रेनेज में है, दैट व्हाट विल इंडिकेटिंग, व्हाट विल इंडिकेटिंग। ऑप्शन देखिएगा, क्या नॉर्मल फंक्शन ऑफ सिस्टम को इंडिकेट करता है, क्या एयर लीकिंग को इंडिकेट करता है, क्या ब्लॉकिंग इन द ट्यूब को इंडिकेट करता है, क्या तीनों करेक्ट है, क्या तीनों करेक्ट है? मजेदार एमसीक्यू है, नॉर्सेट 2021 स्पेशल एमसीक्यू बच्चों। सिद्राम डोनेटिंग 19 रुपीज, थैंक यू सो मच बेटा, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने नॉर्मल भी लिखा है, एबनॉर्मल भी लिखा है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, मैंने क्वेश्चन पूछा इंटरमिटेंट बबलिंग इन वॉटर सील ड्रेनेज, याद रखना बच्चों, मैंने सक्शन का नहीं पूछा, इन वॉटर सील ड्रेनेज, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है। क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चों ने लिखा नॉर्मल, जिन्होंने नॉर्मल लिखा है, जिन्होंने नॉर्मल लिखा है उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब मैं आपको सारे डिफरेंशिएशन को बताना चाहता हूं। नॉर्मल, दैट इज अ नॉर्मल, इंटरमिटेंट का मतलब नॉर्मल, कंटिन्यू बबलिंग का मतलब लीकिंग, कंटिन्यू वर्ड आता है लीकिंग। देखिए देखिए एग्जैक्टली यहां आपको वाटर सी ड्रेनेज सिस्टम का इमेज दिख रहा होगा बच्चों, यहां पर आपको वाटर सी ड्रेनेज सिस्टम इमेज दिख रहा होगा। एग्जाम में इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। द डिवाइस वी कैन से वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। अब एग्जैक्टली देखिएगा, फ्लक्चुएशन जो वर्ड आता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अस्थिरता, और फ्लक्चुएशन में मैंने लिखा है यदि प्रेजेंट है फ्लक्चुएशन, दैट मींस नॉर्मल। ये ट्यूब की बात कर, ये ट्यूब की बात कर, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन डिस्कस करें, ये ट्यूब की बात कर, वही स्टॉप है, फ्लक्चुएशन स्टॉप है, या तो ब्लॉकेज इंडिकेट करेगा या ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ट्यूब के अंदर फ्लो चल रहा है, दैट इंडिकेटिंग फ्लक्चुएशन, मतलब दैट इज अ नॉर्मल। और यदि नहीं है तो इंडिकेट क्या करेगा? कहीं ब्लॉकेज हो गया और ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट का फ्लक्चुएशन अब्सेंट है, फ्लक्चुएशन अब्सेंट। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग समीक्षा, मेरा बच्चा बीच बीच में डराना जरूरी होता है। अब एक खास बात का ध्यान से देखना, आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर करता हूं बच्चों। अब बबलिंग वर्ड जो है ना, इसमें तीन पैरामीटर आपको पढ़ना है,
बबलिंग, एक तो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम की बात होगी, एक सक्शन डिवाइस की बात होगी। अब समझना, यदि इंटरमीडिएट है मतलब नॉर्मल है, अपना एमसीक्यू भी यही कह रहा था, अपना एमसीक्यू भी तो यही कह रहा था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब यदि ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, यहां पर बबलिंग है, यहां पर बबलिंग है, यहां पर बबलिंग है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बबलिंग है, मतलब इसका है ये नॉर्मल है, मतलब सीधा है या नॉर्मल है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल डूंगर ऑसिलेशन और फ्लक्चुएशन बराबर एज इट इज सेम है बेटा। अब खास बात देखिएगा, यदि बबलिंग जो है कंटिन्यू है और किसमें, वाटर सील चैम्बर में। ये क्वेश्चन यहां पर बच्चे गलत करते हैं, वाटर सील चैम्बर में पूछा है तो लीकिंग है, किसका लीकिंग है, एयर। और यदि ये बबलिंग कंटिन्यू सक्शन कंट्रोल चैम्बर में, यदि ये बबलिंग सक्शन कंट्रोल चैम्बर में कंटिन्यू है तो नॉर्मल है। फर्क को समझना, फर्क को समझना, ये क्वेश्चन हर नॉर्सेट क्या हर एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछता है और हम गलती वही करते हैं। मैं फिर से जिक्र करूंगा क्योंकि ये नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू। पहली बात तो फ्लक्चुएशन और ऑसिलेशन यदि प्रेजेंट है तो मतलब ट्यूब काम कर रही है प्रॉपर, अब्सेंट है तो ब्लॉकेज को इंडिकेट कर, बड़ा आसान है। बट इंटरमीडिएट बबलिंग मैंने कहा है तो नॉर्मल। अब कंटिन्यू के दो ऑप्शन है, आपसे वाटर सील का पूछे तो लीकिंग और आपसे सक्शन कंट्रोल का पूछे तो नॉर्मल। दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस। ये दोनों पैरामीटर आपको समझ में आना जरूरी है क्योंकि बच्चे गड़बड़ यही करते, गलतियां बच्चे यही करते, गलतियां यही करते। माय लविंग फ्यूचर, शुक्रिया इकबाल, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल जो बच्चे लगातार सही आंसर दे रहे और उस आंसर का पीछे का जो बैकबोन है वो एमसीक्यू बैच है। आप बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, एमसीक्यू बैच के बच्चों ने जबरदस्त हार्डवर्क किया है और आज आप क्विक आंसर दे पा रहे हो कि यू हैव वेरी गुड नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज आपने गेन किया है और उसका आउटपुट आई वॉन्ट टू सी नॉर्सेट 2021। ओके फाइन, नेक्स्ट कॉमन प्रेशर कभी कभी पूछ लेते तो 20 mm ऑफ एचजी आप लिख सकते हो। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको हमने सारा पैरामीटर आपको बता दिया। मलिका, यू आर द प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब और असिस्टमेंट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, यू नोट कंटिन्यू बबलिंग इन द, ध्यान से समझना, यू नोट कंटिन्यू बबलिंग इन द वॉटर सील चेम्बर एंड ऑसिलेशन इन ऑसिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द टाइप ऑफ फाइंडिंग। अब ये कहानी समझ में आई होगी बच्चों, शुक्रिया एवरीबॉडी टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर, इस कहानी को समझ गए होंगे बच्चों कि आप प्रोवाइड करें केयर उस पेशेंट को जिसको चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, असिस्मेंट देखा ड्रेनेज सिस्टम का तो आपने नोट किया कंटिन्यू बबलिंग था वॉटर सील ड्रेनेज चैम्बर में, ट्यूब के अंदर ऑसिलेशन था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस टाइप ऑफ फाइंडिंग। आप रिपोजिशन करोगे पेशेंट को बिकॉज ट्यूबिंग जो है वो किंग्ड, किंग्ड का मतलब होता है ट्विस्टिंग, किंग्ड का मतलब होता है ट्विस्टिंग और ट्विस्टिंग का मतलब होता है मुड़ जाना, मुड़ जाना। बी में लिखा कंटिन्यू टू मॉनिटर द ड्रेनेज सिस्टम, मतलब बी कह रहा है ड्रेनेज सिस्टम को कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं, शुक्रिया रामदेव तिवारी। सी में लिखा इंक्रीज द सक्शन टू द ड्रेनेज सिस्टम अंटिल द बबलिंग स्टॉप, और डी में लिखा चेक द ड्रेनेज सिस्टम फॉर एन एयर लीक, एयर लीक। अब देखिएगा चार ऑप्शन में से मुझे आप सही आंसर पुट करेंगे, इससे बाहर वाटर सील ड्रेनेज का कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब आपका क्विक आंसर सब बच्चों ने एयर लीक लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी नजरों में डी सही आंसर है, इसका मतलब आपकी नजरों में डी सही आंसर और आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, बहुत शानदार आंसर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के 3 से 4 एमसीक्यू। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, JINC जोधपुर के द्वारा अवेलेबल कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है जिसका प्राइस 6499 है, 6499 है, और याद रखना बच्चों 6499 इसका प्राइस है, 1200 प्लस इसमें क्लासेस है और 4000 प्लस इसमें एमसीक्यू प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी है बच्चों, कंप्लीट नर्सिंग के साथ रीजनिंग मैथ्स रिसर्च एडमिन जीके इंग्लिश इमरजेंसी नर्सिंग, मतलब वन कोर्स फॉर वन नेशन। एक कोर्स आपको परचेज करना है, इंडिया का कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो, वन कोर्स फॉर वन नेशन का मतलब किसी भी एग्जाम को
आप इजिली क्रैक कर सकते हैं बच्चों। आई होप कि इट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। और मैंने क्लियर मेंशन करा, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉगिन करें, और मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद बाई कोर्स पे जाके इस कोर्स को परचेज करें, या फिर आप सीधा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करें, फोन पे और पेटीएम करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूबरक्लोसिस के पढ़ेंगे, टीबी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा कवर किया है, आगे स्केलेटल को भी पूरा कवर किया है, और पूरा कवर करने के लिए हम हर उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का जिक्र करना होगा, दैट आस्किंग इन योर कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ट्यूबरक्लोसिस को हम पैथेसिस बोलते हैं, स्क्रोफ्लुआ बोलते हैं, किंग ऑफ किंग्स टच बोलते हैं, व्हाइट प्लेग, कैप्टन ऑफ ऑल दिस मैन ऑफ डेथ, बहुत सारे नाम से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, बहुत सारे नाम से इस प्रोनाउंस करते हैं। थैंक यू रघुवीर। क्वेश्चन कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेप्ट, मतलब सभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कैरेक्टरिस्टिक है एक को छोड़ के, सभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कैरेक्टरिस्टिक है एक को छोड़ के, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय द ड्रॉपलेट न्यूक्लाई, एसिड फास्ट बेसिलाई, एबल टू डॉर्मेट विद द बॉडी ऑफ द ईयर, सर्वाइव इन एनरोबिक कंडीशन, इन सर्वाइव इट इज एनरोबिक कंडीशन। क्विक आंसर, मतलब इसमें तीन सही है, तीन तो राइट है, एक रॉन्ग है, हमें स्ट्रॉन्ग को पता लगाना, हमें स्ट्रॉन्ग को पता लगाना बच्चों। शुक्रिया, फटाफट आंसर पुट करिएगा, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सोच रखा है, आंसर पुट करना स्टार्ट भी किया। एमसीक्यू कहता है कि तीन सही है, एक गलत है, एक गलत है, और जिन्होंने यहां पर डी लिखा है एनएरोबिक, आपको अच्छे से पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई एनएरोबिक का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, और अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई जो है वो एरोबिक, एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ O2, वो एरोबिक कंडीशन में ही जिंदा रह सकता है। तो आपका डी जो है वो सही आंसर, बिल्कुल डी सही आंसर है, तीनों सही है, डी जो यहां पर रॉन्ग है। याद रखना, लंग में जब इंफेक्शन कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, वो एसिड फास्ट बैसिलाई है। क्या है बच्चों? एसिड फास्ट बैसिलाई है, इट विल कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीबी। देन फर्स्ट इसको रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया, ये भी आपको अच्छे से पता है, द पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्कवर, दैट्स रॉबर्ट कोच। देन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी हम रॉबर्ट कोच को बोलते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। रिवा, गुड आफ्टरनून रिया। क्वेश्चन कहता है कि BCG वैक्सीन जो, इसका फुल फॉर्म क्या? बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन, और याद रखना लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन, इट विल हेल्पिंग टू फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो तीन तरह की हम वैक्सीन पढ़ते हैं, थैंक यू सो मच श्रीलता, बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन जो है, द वैक्सीन आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। और ये भी आता है कि BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब लॉन्च है, 1951 में, और एट बर्थ BCG कितना देते हैं, 0.05 ml, रूट कौन सा इंट्राडर्मल, और डाइल्यूट किसमें करते हैं, नॉर्मल सलाइन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन को हम डाइल्यूट किसमें करते हैं, नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द राइट फोरआर्म ऑफ द क्लाइंट हु हैड PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, राइट फोरआर्म की बात करें, the right form of the client who had the PPD test for tuberculosis is rendered to raise about 3 mm, rendered to raise about 3 mm, where the test was given, the PPD would be the red as having which of the following result, matlab patient ko purified protein derivative PPD lagaya, aapko acche se pata intradermal lagate, kitna degree pe lagate, 15 degree angle pe lagate, lagane ke baad humne patient ke us site pe diameter dekha, वो 3 mm के आसपास मिला, what will indicating इंडर, देखिए इंडिटरमाइंड मिनट नीड टू बी रीडन, और नेगेटिव बोल सकते हैं, और वी कैन से पॉजिटिव बोल सकते हैं। देखिए इतना आसान MCQ है, बट इसके पीछे कम से कम 10 MCQ छुपे हुए हैं, और हमें इसी एक क्वेश्चन से 10 छुपे हुए MCQ को भी लर्न करना है, बिकॉज वी वॉन्ट सेलेक्शन एनी हाउ, वी हैव कैपेबिलिटी टू डू हार्ड वर्क, इसीलिए फटाफट आपको आंसर पुट करना है, आंसर पुट करना। नेगेटिव बिल्कुल सही, क्योंकि मैं एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं, जब ट्यूबरक्लिन टेस्ट करते हैं, इसको मॉन्टॉक टेस्ट बोलते हैं बच्चों,
इसको हम मोंटॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। जब ट्यूबरक्लिन टेस्ट करते हैं तो पीपीडी यूज करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, और डूट कौन सा इंट्राडर्मल, डोज कौन सा 0.1 ml या 5 ट्यूबरक्लिन यूनिट, देते कहां इनर सरफेस ऑफ द फोआ। इसको आप कभी कभी इनर की जगह वेंट्रल लिखा आता है तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी वेंट्रल सरफेस लिखा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देना। इवन इसका मेन पर्पज है कि पीपीडी क्या करता है, इट विल हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, मतलब आपकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई आया या नहीं आया, वो ससेप्टिबिलिटी का पता लगाने में मेजर रोल कौन प्ले करता है, दैट वी कैन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। और इसमें टेस्ट कौन से करते हैं, हम मोंटॉक्स टेस्ट करते हैं। 10 ml या उससे ज्यादा है तो समझ जाना पेशेंट को टीबी है, पेशेंट को टीबी है। डायामीटर को याद रखिएगा, 10 ml का डायामीटर या उससे ज्यादा आपको मिले तो इंडिकेट करता कि पेशेंट को टीबी है, बट 0 to 9 ml मिला तब तक को आपको कहेगा डाउटफुल, मतलब फिर से टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, फिर से टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। लेस देन 6 ml का मतलब नेगेटिव, अपना क्वेश्चन में 3 था, आपके क्वेश्चन में 3 था माय लविंग फ्यू, थैंक यू दीपक। और 5 ml इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होगा तो वी कैन से HIV पॉजिटिव, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब HIV पॉजिटिव हो सकता है या मैलिग्नेंट कैंसर। ध्यान से देखना बच्चों, मैलिग्नेंट जो है कैंसर का पेशेंट हो सकता है, मैलिग्नेंट कैंसर और HIV पॉजिटिव जो है इनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, और इसमें 5 ml यदि डायमीटर मिला वी कैन से पॉजिटिव, वी कैन, थैंक यू दीपक, वी कैन से पॉजिटिव। मतलब जैसे ही आपने वेंट्रल सरफेस ऑफ द फोरआर्म पे पीपीडी को 0.1 ml को एडमिनिस्टर किया, अगले 48 टू 72 आवर्स के बाद चेक किया, वहां डायमीटर 5 ml है, पेशेंट इम्यूनो सप्रेसिव है, पेशेंट को एड्स है, पेशेंट को मैलिग्नेंट कैंसर है, वी कैन से HIV पॉजिटिव हो सकता है, बट हम क्या बोलेंगे बाद में, ये पेशेंट जो है जिसको टीबी ससेप्टिबल है। वहीं नॉन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो 10 ml को कंसिडर करेंगे बच्चों, 10 ml को कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि विच ड्रग ऑफ टीबी कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कौन सी ड्रग है टीबी की जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है, क्विक आंसर दीजिएगा बच्चों, क्विक आंसर, वी हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट, आई वॉन्ट टू डिलीवर फ्रंट ऑफ यू, देन यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, तो क्विक रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा आंसर पुट करेगा। लगभग 1800 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक इट एवरीबडी राइट नाउ, लाइक इट एवरीवन, एंड टू शेयर टू द मैक्सिमम, शेयर टू द मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन में लिखा बच्चों रिफामसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेनब्यूटोल, क्विक आंसर पुट करेगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने INH लिखा है, INH लिखा है बच्चों, आइसोनियाजिड लिखा, बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सही है, आइसोनियाजिड राइट आंसर होगा। देखिए मैं कुछ पिक्चर यहां पर आपकी क्लियर कर देता हूं, रिफामसिन जब पढ़ेंगे आपको अच्छे से पता है रिफामसिन का साइड इफेक्ट होता है रेड ऑरेंज यूरिन, रेड ऑरेंज यूरिन, और ये नॉर्सेट में पूछ सकते हैं। वहीं बच्चों इथेनब्यूटोल से याद रखना साइड इफेक्ट क्या होंगे, आई को अफेक्ट करेगा, और आई में क्या करता है ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, क्या करता है ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, दैट विल बी अफेक्टिंग टू द आई। Everybody knows streptomycin बच्चों ओटोटॉक्सिसिटी करता है, ओटोटॉक्सिसिटी करता है, और ओटोटॉक्सिसिटी से क्या होता है हियरिंग लॉस होता है, हियरिंग लॉस होता है, और हियरिंग लॉस का रीजन 8th क्रेनियल नर्व डैमेज भी हो सकता है, जिसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जिसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आइसोनियाजिड दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। इवन आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं विच इज द मोस्ट कॉमन एंटी ट्यूबरक्लिन ड्रग, थैंक यू रीना, विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफर विद द ट्यूबरक्लोसिस, तो बच्चों आइसोनियाजिड लिखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ऐसा भी आता है कि आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट, जिस आइसोनियाजिड को हम INH लिखते हैं, और इसी से हमें याद रखना है आई से आयरन एक्यूमुलेशन इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सिडेरोप्लास्टिक एनीमिया कंसिडर करते हैं, एन से न्यूरोपैथी याद रखना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल, थैंक यू रोशनी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब यदि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ तो नर्व इंपेयरमेंट होगा एक्सट्रीमिटीज का, दैट कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एच से हेपेटाइटिस, एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जिसमें
पारिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब उसकी ड्रग की वजह से विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी होती है बच्चों। तो याद रखना वही ड्रग आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड को आप पारिडॉक्सिन देते हैं टू प्रिवेंट डेवलप विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? और यदि कोई पेशेंट यदि कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का है, टीबी पॉजिटिव है, यदि आप पेशेंट को आपने एक पेशेंट देखी, क्वेश्चन बनाता बच्चों, एक पेशेंट है, उस पेशेंट को मोंटॉक्स टेस्ट, उस पेशेंट को मोंटॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, मोंटॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, और इसको अब क्या हो सकता है बच्चों, टीबी हो सकता है। तो टीबी से रोकने के लिए कौन सी ड्रग देंगे? आइसोनियाजिड ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग देंगे? आइसोनियाजिड ड्रग। ये अप्लीकेबल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि विच ड्रग टीबी कैन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस। अभी पढ़ाया बदमाश बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट आंसर पुट करेगा। क्विक आंसर, शुक्रिया निधि, निधि देवाल, वेलकम टू जेएनसी फैमिली। क्वेश्चन कहता कि कौन सी ड्रग ऑप्टिक न्यूराइटिस। अभी आपको मैंने सारी चारों ड्रग का साइड इफेक्ट पढ़ाया था, मैंने कहा था इथेम्ब्यूटोल ई से याद रखना आई, और आई को कौन सा नारो सप्लाई करता ऑप्टिक, और ऑप्टिक को क्या हो गया? न्यूराइटिस हो गया, तो विजन क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? क्या बात है प्रकाश, बिल्कुल सही डी आंसर, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। इथेम्ब्यूटोल को मायम्ब्यूटोल बोलते हैं, और ये अकेली ड्रग है, इसको बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं, बाकी सारी ड्रग जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है। सारी ड्रग को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसाइडल कंसिडर करते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ कौन सी ड्रग है, तो हम इथेम्ब्यूटोल को पुट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, ए क्लाइंट इज रिसीविंग स्ट्रेप्टोमाइसिन टू द ट्रीटमेंट ऑफ द रीएजेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो डियर नर्स क्या असिस्ट करेगी? मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज ओटोटॉक्सिटी, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज टू डैमेज ऑफ द एट क्रैनियल नर्व, द नर्व इज अ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो आपके सामने डिक्री सीरम क्रिएटिनिन लिखा हुआ है, देन डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग लिखा हुआ है, हियरिंग लॉस लिखा हुआ है, आईवी इनफिल्ट्रेशन लिखा हुआ है। आंसर समझ में आना चाहिए बच्चों, आंसर समझ में आना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कभी कभी मैंने कहा ना, एग्जाम में ऑटोटॉक्सिसिटी लिखा आता है, कभी कभी एग्जाम में हियरिंग लॉस लिखा आता है, और कभी कभी एग्जाम के अंदर डैमेज ऑफ द एट क्रैनियल नर्व आता है, और कभी कभी एग्जाम के अंदर आएगा डैमेज ऑफ दैट मीन वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब आप डिसाइड करना है कि चारों में से जो भी आएगा इसका रीजन कौन सा ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सा है बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ड्रग ऑफ टीबी कैन कॉज एट क्रैनियल नर्व। कितना आसान है, गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट आंसर पुट करना बच्चों, सीधा पूछा है, यहां पर थोड़ा आंसर बदला है क्वेश्चन में, एट क्रैनियल नर्व डैमेज पूछा आपके सामने। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन टीबी की ड्रग से पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपको टीबी की ड्रग से पूछेंगे, और आप सही आंसर पुट करके आओ, दैट इज अ स्ट्रेप्टोमाइसिन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, यूपी एनएचएम का कोर्स अवेलेबल है, 100 MCQ का पेपर आ रहा है बच्चों, 100 MCQ का पेपर आ रहा है, 80 MCQ नर्सिंग से आ रहे हैं, 20 MCQ अदर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और जेएनसी जोधपुर ने पूरा सिलेबस प्रिपेयर किया है, जिसका प्राइस 1500 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को परचेज करें, या सीधा प्ले स्टोर पे जाइए, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने एक इमेज पुट किया क्योंकि यहां पर हम टीबी के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, टीबी के एमसीक्यू में एक बहुत कॉमन एमसीक्यू पूछा जाता है, आई विल पुट इट हियर। मैं लिखा क्लासिकल साइन ऑफ टीबी, सबको पता है प्रोग्रेसिव कब, दो या दो से अधिक हफ्ते की खांसी हो तो टीबी हो सकती है, बड़े बड़े ऐड आते हैं ना अमिताभ बच्चन और बाकी एक्ट्रेस का, कि दो या दो से अधिक हफ्तों की खांसी होने पर नजदीकी अस्पताल में दिखाएं आपको टीबी हो सकती है। तो याद रखना, प्रोग्रेसिव कब 2 वीक इंडिकेट कर सकता पेशेंट को टीबी। नाइट स्वेट का टर्म्स है स्लीप हाइपरहिड्रोसिस, एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, नाइट स्वेट होगा ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में होता है, फर्स्ट सिम्टम ऑफ टीबी पूछते हैं तो कफ विद एक्सपेक्टोरेंस,
मतलब जब पेशेंट कफ करेगा तो उसमें म्यूकस म्यूकस प्रेजेंट होगा, म्यूकोइड स्पूटम प्रेजेंट होगा, याद रखना बच्चों, म्यूकोइड स्पूटम प्रेजेंट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब याद रखना यहां एक आपको व्हाइट पैचेस दिख रहा होगा, यहां एक व्हाइट पैचेस दिख रहा होगा एरो के जस्ट नीचे, एरो को जस्ट नीचे, और यही क्वेश्चन एग्जाम आता है कि गॉन्स कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, गॉन्स कॉम्प्लेक्स जो है वो लीजन राइट अपर लॉब में लोकेटेड होता है, राइट अपर लॉब में, ये आपका जो लीजन दिख रहा है दैट लीजन इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद ट्यूबरक्लोसिस, पेशेंट सफर विद ट्यूबरक्लोसिस, नेवर फॉरगेट बच्चों, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का एरिया होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का एरिया होगा, और वी कैन से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस होता है ड्यू टू इंफ्लेमेटरी प्रोसेस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निमोनिया इट इज इंफ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमल सेल, एवरीबॉडी नो वेरी वेल निमोनिया का मतलब इट इज इंफ्लेमेशन इनटू द लंग्स पैरेन्काइमल सेल, और निमोनिया 3 से 4 टाइप्स का होता है। इन्होंने पूछा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो निमोनिया कम्युनिटी में डेवलप होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज इन्होंने पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस निमोनिया, देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस, देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्विक पार्टिसिपेट करिएगा बच्चों, शुक्रिया दीपक। चार ऑप्शन मैंने पूछा है कि निमोनिया का कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा, कौन सा होगा? अरे बदमाश बच्चों, ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो बेस्ट लगे आप प्रीफर कर सकते हो, जो बेस्ट लगे आप प्रीफर कर सकते हो। बिल्कुल सही, बी जिन्होंने लिखा है ये मोस्ट कॉमन है। मैं बता देता हूं 3-4 चीजें आपको यहां पर, हम निमोनिया की बात करें कभी कभी आपको ऐसा भी पूछते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो कॉमनली कब डेवलप होता है, 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कॉज कौन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस निमोनी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, थैंक यू सो मच, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कौन सा टाइप्स ऑफ निमोनिया कॉमनली डेवलप हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली लिखना है बच्चों हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और एस्पिरेटरी निमोनिया के कॉज होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस, जैसे आपने कोई सब्सटेंस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पिरेट कर लिया और उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, कॉमनली एस्पिरेशनल निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस। अरे बदमाश बच्चों, मेहनत आपको करनी है, सपने आपके मां बाप के और आपके, जिंदगी में जब आप सफल होंगे ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपके मां बाप को होगी। पीछे मुड़ के देखना उस समय कि दुनिया में किसी को फर्क पड़ा ना पड़ा, आपके सक्सेस पे सबसे प्राउड मोमेंट आपके मां और बाप को होगा। बच्चों याद करना वो दिन जब आप छोटे छोटे थे, जब आप वक्त पे खाना नहीं खा पाते थे तो मां बाप अपना खाना आपको खिलाते थे, जब आप उनके शोल्डर पे सर रख के सो जाते थे और मां बाप का कंधा दर्द भी करता था बट वो आपकी चिंता करते थे कि बेटा या बेटी जग जाएगा, मैं ऐसे ही बना रहा, घंटों वो उसी पोजीशन में बने रहते थे। याद है वो दिन जब आप फीस भरने आते थे, स्कूल और कॉलेज में प्रिंसिपल आपको डांट लगाते थे बेटा फीस नहीं है, तो आपके मां बाप आपके गहने रख करके फीस ला के देते थे। याद है वो दिन जब आपके मां बाप आपको पहली बार नर्सिंग में एडमिशन दिलाने लेके आए थे और कॉलेज वालों ने बोला कितनी बड़ी फीस लगेगी और मां बाप का क्या रिस्पॉन्स था, सर आप पढ़ाइए हम व्यवस्था करेंगे। वो व्यवस्था कहां से होगी उनको नहीं पता थी बट उनका जज्बा देखिएगा कि सर आप पढ़ाइए हम व्यवस्था करेंगे। याद करना फर्स्ट ईयर के वो दिन, सेकंड ईयर के वो दिन जब आप गलती से कॉलेज नहीं जाते थे और फाइन कॉलेज वाले बोलते थे और वो फाइन कौन भरते थे, आपके मां बाप भरते थे। जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हो गया तो हर कोई जानता है कि हर कोई चाहता है कि बेटा नौकरी कर, मां बाप क्या कहते थे, बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, हमारा सपना आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते देखना, और वो सपना पूरा करने का वक्त अभी आ गया। वो मां बाप का संघर्ष और मां बाप का स्ट्रगल जो आपने देखा है उसको पूरा करने का वक्त आ गया। आपको थकान होगी, आपको दर्द होगा, आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, आपको लगेगा मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे मेरे से नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ूंगा, इतना सा टाइम मेरे पास बचा है,
बट एक बार याद करके देखना अपने मां बाप के उस दिनों को, उस सपनों को जिसने आपको बनाया, और आपके पास ये 25 डेज का टाइम है उस सपने को पूरा करने का। यदि टिक गए मैदान में तो जीत जाओगे, और यदि भाग गए मैदान छोड़ के तो वहीं पहुंच जाओगे जहां पहले थे। डिसाइड आपको करना है, या तो लड़ लो या भाग जाओ। लड़ लिए तो जीत जाओगे। तो जब भी आपको उदासी लगे, मन उदास हो, पढ़ने का मन नहीं हो, याद नहीं हो, तो एक बार अपने मां बाप के संघर्ष को याद करना बच्चों, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। आगे की जर्नी आपको तय करनी है। आज भी जब वो मंदिर में बैठते तो भगवान से एक ही दुआ करते हैं, ये भगवान मेरे बच्चों को सक्सेस कर देना, मेरे बच्चों को नौकरी दिला देना। द पर्सन द रिमेंबर ऑलवेज योर सक्सेस, दैट इज योर मदर एंड फादर, नेवर फॉरगेट, देन योर टीचर, आफ्टर दैट देन योर टीचर। तो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वी हैव लिमिटेड टाइम टू डू एवरीथिंग इन 25 डेज टू क्रैक नॉट से 2021। जब भी मन उदास हो, मेरी इन बातों को याद रखना बच्चों, और जिस दिन आप जीत जाओगे जरूर मिलेंगे बच्चों। तो बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, फोकस ऑन योर गोल टिल योर सक्सेस, कैरी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। इमेज आपके सामने, इमेज आपके सामने, आपको इमेज के देख के आंसर को फाइंड आउट करना है। एम्स दिल्ली जो है, नॉर्सेट जो है, एक्सरे की इमेज पे क्वेश्चन पूछता है, एक्सरे देता है, एक्सरे की इमेज पे क्वेश्चन पूछता है, और आपको इस एक्सरे की इमेज को देख करके फाइंड आउट करना एग्जैक्टली व्हाट हैपन, क्या दिख रहा है आपको, फाइंड आउट करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां पर मैंने एरो किया है, इस एरो वाले एरिया को आपको देखना है, और आप मुझे बताओगे एग्जैक्टली यहां पर क्या एक्यूमुलेट है, एग्जैक्टली यहां पर क्या एक्यूमुलेट है। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीबडी, फाइंड आउट करके मुझे आंसर पुट करिएगा, आंसर पुट करिएगा बच्चों। मैं हिंट देता हूं, मैं हमेशा हिंट देता हूं। देखिए, जब भी एयर का एक्यूमुलेशन होगा, जब भी एयर का एक्यूमुलेशन होगा तो याद रखना डार्क ब्लैक शेडो दिखेगा। ध्यान से देखना मेरी बात को, शेडो दिखेगा। जब भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो बच्चों व्हाइट शेडो दिखेगा, व्हाइट शेडो दिखेगा, मतलब सफेद शेडो दिखेगा जब आप पेशेंट का एक्सरे देखोगे। अब मुझे आप आंसर पुट करिएगा कि यहां पर जो दिख रहा है ना तो पूरा व्हाइट है ना पूरा ब्लैक है, मिक्स है, दोनों मिक्स है। थोड़ा सोच के आंसर देना माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। शुक्रिया विद्यासनी रावत, शुक्रिया बेटा। बच्चों दैट वी कैन से एम्फाइमा, देखिए एम्फाइमा का मीनिंग होता है दैट वी कैन से पस एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट पस का एक्यूमुलेशन होगा दैट वी कैन से एम्फाइमा। और यहां पर आप कुछ यदि ठीक से देख पा रहे हैं तो ये व्हाइट पैचेस है, यहां हल्के व्हाइट पैचेस है, एग्जैक्टली प्योर व्हाइट दिखे तो फ्लूड का एक्यूमुलेशन है, प्योर व्हाइट दिखे। आगे बताऊंगा एक्सरे में डिफरेंस क्या होता है, आगे बताऊंगा बच्चों। That X-ray will indicating that we can say emphyma. यहां पर आपको whitish appearance के साथ साथ accumulation जो दिख रहा है वो हल्का dark color का भी दिख रहा है. That is a pleural exudate on the chest X-ray. Pleural exudate on the chest X-ray. अब next को देखिएगा ध्यान से. Next को ध्यान से देखिएगा my loving future nursing officers. Here you can see. Here you can see. अब गलत नहीं होना चाहिए बच्चों. अब गलत नहीं होना चाहिए my loving future nursing officer. देखिए इस X-ray को. ये डार्क ब्लैक शेडो दिख रहा आपको, ये डार्क ब्लैक शेडो दिख रहा आपको। यू कैन आइडेंटिफाई एवरीवन, यू कैन आइडेंटिफाई एवरीवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया प्रियंका, क्विक आंसर पुट करिएगा और आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं एग्जैक्टली व्हाट विल इंडिकेट, व्हाट विल इंडिकेट। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। डार्क ब्लैक शेडो ऑलवेज इंडिकेट एयर एक्यूमुलेशन, एयर एक्यूमुलेशन, पुट द राइट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर न्यूमोथोरक्स लिखा है, न्यूमोथोरक्स लिखा है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया साधना, बिल्कुल आपका आंसर सही है, न्यूमोथोरक्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। न्यूमोथोरक्स का मतलब होगा एयर एक्यूमुलेशन, एयर एक्यूमुलेशन इन टू
intra-plural space, into intra-plural space, that you remember. मतलब जो आपका लंग्स था, मतलब जो आपका लंग्स था, इसी लंग्स में जो इंट्रा प्लूरल स्पेस था, इसमें क्या भर गई बच्चों, एयर भर गई. क्या भर गई? एयर भर गई. दैट वी कैन से न्यूमोथोरेक्स. और मैं लिख देता हूं बच्चों, यहां देखना नॉर्सेट, याद रखना बच्चों नॉर्सेट 2021, याद रखिएगा. हर वो एमसीक्यू जो आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैं वो नॉर्सेट 2021 लिख रहा हूं. गलती से भी भूल मत जाना मेरे बच्चों, गलती से भी भूल मत जाना. ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा. एक अगेन एक ड्रेनेज सिस्टम आपको दिख रहा होगा. ये वायर है जो हम इंसर्ट करते हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैनुला जो हम इंसर्ट करते हैं, ये लॉक एंड की है. और इस पूरे सिस्टम को देख के आप मुझे बताएं एग्जैक्टली क्या नाम है. पेनरोज ड्रेनेज बोलते हैं, कैथेटर बोल सकते हैं, पिगटेल ड्रेनेज बोल सकते हैं, या बच्चों जैक्सन प्रॉट ड्रेनेज बोल सकते हैं. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों. शुक्रिया जुगल पचोरी, शुक्रिया बेटा. क्वेश्चन को पढ़िएगा. मैंने कहा एक ड्रेनेज सिस्टम का फोटो आपके सामने है और उस ड्रेनेज सिस्टम का नाम भी मैंने चार ऑप्शन में लिखा है और आप मुझे बताएंगे ये ड्रेनेज कौन सा है. क्या हम पेनरोज बोलते हैं, क्या हम कैथेटर बोलते हैं, क्या हम पिगटेल बोलते हैं, क्या हम जैक्सन प्रॉट बोलते हैं बच्चों. इफ यू डोंट हैव गौरी प्रजापति बेटा कोई बात नहीं, आपको नहीं पता बट आज पता चल जाएगा. पिगटेल लगातार बच्चों ने पुट किया है, आप सबका आंसर यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है. देखिए पिगटेल ड्रेनेज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा. पिगटेल ड्रेनेज जो है द चेस्ट ड्रेनेज, हमेशा याद रखना ये चेस्ट ड्रेनेज है. पेशेंट को या तो न्यूमोथोरेक्स है या पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है, तो एयर और फ्लूड को रिमूव करने के लिए पिगटेल ड्रेनेज का यूज करते हैं. कुछ भी नहीं बच्चों, इस वायर को इंसर्ट करते हैं, ट्यूब को पुट करते हैं इंट्राप्लूरल स्पेस में. डिफरेंट साइज की ट्यूब, सॉरी वायरिंग ट्यूब्स आती है, इससे ओपनिंग क्रिएट करते हैं और पेशेंट के इंट्राप्लूरल स्पेस में प्रेजेंट फ्लूड और पस और एयर को रिमूव किया जाता है. फ्लूड पस और एयर को रिमूव किया जाता है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट वी कैन से पिगटेल, पिगटेल ड्रेनेज सिस्टम. ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो इस तरीके से पिगटेल को लगाया जाता है, इस तरीके से पिगटेल को लगाया जाता है इंट्राप्लूरल स्पेस में. और ये ट्यूब जो है ये कनेक्ट होता है ड्रेनेज ड्रेनेज सॉरी बैग से. अगेन आप देख सकते हो दैट इमेज विल इंडिकेटिंग पिगटेल ड्रेनेज. अब मेरे बदमाश बच्चों को आंसर गलत नहीं होना चाहिए बच्चों. इंद्रा रेगर शुक्रिया मेरा बच्चा, शुक्रिया. दैट वी कैन से पिगटेल ड्रेनेज. और मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, एक बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है ड्रेनेज सिस्टम का. मैं और एक बात क्लियर कर देता हूं, जल्दी ही मैं ओनली फॉर इमेजेस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पीडियाट्रिक नर्सिंग ओबीसी सारे सब्जेक्ट का मेगा मैराथन क्लास कंडक्ट करने वाला हूं. वहां सिर्फ इमेजेस होंगे, सिर्फ इमेजेस होंगे. माय टारगेट इज मोर देन 500 इमेज. चाहे मुझे दो क्लास में लेना पड़े तो यू विल बी रेडी टू सी ऑल द इमेजेस ऑल द वीडियोस विच इज कमिंग ऑन द JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म. मैंने कहा था जिस दिन शुरुआत की थी बच्चों, शुक्रिया शुभम, मैंने कहा सब कुछ मैं पुट करूंगा क्योंकि मुझे दिवाली सेलिब्रेशन मेरे बच्चों के सक्सेस के बाद स्टूडेंट के साथ मनाना है और उसके लिए स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं. आई विल डू माई हार्ड वर्क, JINC टीम डूइंग देयर हार्ड वर्क, और डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे बच्चों. हियर यू कैन सी, नेक्स्ट देखिएगा. बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जैक्सन प्रॉट, ये कई बार आया हुआ एमसीक्यू. मैंने कहा यह टेफ्लॉन सिंथेटिक का बना होता है और मल्टीपल ड्रेनेज होल्स होते हैं. देखिए पोस्ट ऑपरेटिव कई पेशेंट में आपने देखा होगा बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव कई पेशेंट का आपने देखा होगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, इस ट्यूब में मल्टीपल होल होते हैं. मल्टीपल होल होने की वजह से हम इस ट्यूब को उस साइट पे पुट करते हैं जहां हमने सर्जरी क्रिएट किया, सर्जरी कंडक्ट किया, वहां पर पुट करने के बाद इस ट्यूब को हम डायरेक्ट ड्रेनेज ड्रेनेज बैग से कनेक्ट करते हैं जिससे जो भी एक्यूमुलेशन है वो ड्रेन आउट होकर के बाहर पहुंच जाए, बाहर पहुंच जाए. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, याद रखिएगा बच्चों, इज मेड ऑफ टेफ्लॉन सिंथेटिक एंड मल्टीपल ड्रेनेज. और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए
तो आंख बंद करके सही लिखना। एक और मजेदार बात आपको बता देता हूं बच्चों, आगे आएगा। जैसे यहां ऑप्शन में लिखा पेंड्रोस, ये जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ओपन ड्रेनेज याद रखना, ये ओपन ड्रेनेज है। आगे मैं इसका इमेज भी दिखाऊंगा आपको। ओपन का मतलब सपोज आपके हाथ में कोई इंसिजन है, आपको हाथ में कोई इंसिजन लगा हुआ है, तो इंसिजन लगा तो यहां पर आपको एक ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, और ट्यूब के आगे किसी भी प्रकार का बैग नहीं होता, किसी भी प्रकार का ड्रेनेज कलेक्टिव बैग नहीं होता है। उस ट्यूब में से ड्रेन सब्सटेंस जो है वो बाहर आता रहेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट वी कैन से ओपन ड्रेनेज सिस्टम। और ये भी हम हॉस्पिटल सेटअप में यूज करते हैं बच्चों। आगे मैं उसका भी इमेज आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट यूज द पर्स लिप मेथड। मैंने आपको पढ़ाया था, डियर नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज द पर्स लिप मेथड ऑफ ब्रीथिंग एंड द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पर्स लिप ब्रीथिंग का पर्पस क्या है। मैं लिखा एक नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज पर्स लिप ब्रीथिंग एंड क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग। The nurse respond knowing that the primary purpose of pursed lip breathing क्या होगा रे बदमाश बच्चों, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है। Pursed lip breathing का primary purpose क्या होगा, that MCQ the asking from your side। ये question आपको पूछ रहा है कि क्यों हम ये exercise करवाएंगे, इतना बड़ा MCQ, और JINC की army को answer इतना आसान लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ रखा है बच्चों। आपने थैंक यू सो मच नीतू सैनी, आपने पढ़ रखा, आपका आंसर 200% यहां पर राइट है। प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। जैसे मैंने आपको इमेज पढ़ाया था, यहां पर देख सकते हैं, नाक से सांस लेना, मुंह से बाहर निकालना, इनहेलेशन बाय द नोज, एक्सहेलेशन बाय द माउथ, दैट मैकेनिज्म वी कैन से पर्स लिप ब्रीथिंग माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑन ऑस्कल्टेशन विच फाइंडिंग सजेस्ट राइट न्यूमोथोरेक्स। देखिए एक बात का और ध्यान रखना, न्यूमोथोरेक्स का मतलब मैंने कहा था एयर का एक्यूमुलेशन। जब आपने ऑस्कल्टेट किया राइट लंग्स को, तो राइट न्यूमोथोरेक्स में यदि एयर का एक्यूमुलेशन है तो कौन सी फाइंडिंग आपको सजेस्ट करेगी। ऑप्शन देखिएगा, bilateral inspiratory and expiratory crackle, absence of the breath sound in the right thorax, inspiratory wheezing in the right thorax, bilateral pleural fixation. देखिए बड़ा आसान MCQ है, बड़ा आसान MCQ my loving future nursing officer। हमेशा याद रखना, जब जब पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन या न्यूमोथोरेक्स हुआ है, प्लूरल इफ्यूजन या बच्चों न्यूमोथोरेक्स हुआ है, तो जब भी पेशेंट को यह प्रॉब्लम हुआ है तो लंग्स का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन इंपेयर्ड हुआ है, जब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन इंपेयर्ड होगा तो बच्चों पेशेंट का जो लंग्स साउंड है, वो लंग साउंड क्या होगा, वो डिक्रीज या डिमिनिश, याद रखना बच्चों, डिक्रीज या डिमिनिश या फिर हो जाएगा अब्सेंट। मतलब सीधा सीधा फंडा है कि पेशेंट के इंट्रा प्लूरल स्पेस में यदि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ तो डेफिनेटली लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएगा। जब लंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो लंग्स के साउंड जो है वो डिक्रीज होंगे, वो अब्सेंट होंगे, दैट इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द इट मे बी न्यूमोथोरिक्स, इट मे बी प्लूरल इफ्यूजन। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, तो ये सीधा समझना है, सीधा एमसीक्यू एग्जाम में पूछा था। देखिए मैंने पेंड्रोस ड्रेनेज की बात की थी, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल है बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पेशेंट का स्किन में एक ट्यूब्स लगा हुआ, यहां पर आपको दिख रहा होगा दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पेंड्रोस ड्रेनेज, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये सभी बच्चों पेंड्रोस ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, और इसी को बोलते हैं दैट इज ओपन ड्रेनेज क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ओपन ड्रेनेज सिस्टम। मैं फिर से कह रहा हूं, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब यूज टू द सर्जिकल ड्रेन टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन अ सर्जिकल साइट। कुछ भी नहीं करना है। ये पेशेंट का सर्जिकल साइट है। यहां पर एक ट्यूब को पुट कर दिया, यहां पर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा था वो इस ट्यूब के द्वारा ड्रेनेज हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं बच्चों पेंड्रोस ड्रेनेज सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते कि ओपन ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल, तो पेंड्रोस लिखना है, और पेंड्रोस ज्यादातर एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो रहा फ्लूइड सर्जरी के बाद सर्जिकल साइट पे, उसको ड्रेन आउट करने में हम लोग यूज करते हैं।
उसको ड्रेन आउट करने में यूज करते हैं, तो इट मे बी आस्किंग इन योर कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों. ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर फॉर द क्लाइंट विद द सीओपीडी. सीओपीडी का पेशेंट है. सीओपीडी में दो आता है, एक तो आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक आता है बच्चों एम्फाइजीमा, एम्फाइजीमा. और आपको अच्छा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को बच्चों ब्लू ब्लॉटर बोलते हैं और एम्फाइजीमा को पिंक पफर बोलते हैं, ये भी नहीं छुपा आपसे. बेस्ट मेथड पूछा है तो कैनुला बोल सकते हो, नेजल कैथेटर बोल सकते हो, नॉन रीब्रीथर मास्क बोल सकते हो, वेंचुरी मास्क बोल सकते हो. क्या बात है, जिस जिस फ्लो से आपका आंसर आ रहा है ना बच्चों, इस बार नॉर्सेट आपसे दूर नहीं है, इस बार नॉर्सेट आपसे दूर नहीं. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेंचुरी मास्क बिल्कुल आपका आंसर जो है यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है. वेंचुरी मास्क जिन्होंने भी लिखा है, फंटास्टिक आंसर, सही आंसर. ओके, आई विल शो द पिक्चर, पिक्चर दिखाता हूं बच्चों मैं आपके. एग्जैक्टली वेंचुरी मास्क कैसा होता है आप देख सकते हो, दिस इज अ वेंचुरी मास्क, दैट इज योर वेंचुरी मास्क. आप देख सकते हो ये नॉर्मल मास्क है, ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल मास्क है, और इस नॉर्मल मास्क के साथ में ये जो डिवाइस लगा हुआ है, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वेंचुरी डिवाइस. क्या बोलते हैं, वेंचुरी डिवाइस. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वेंचुरी डिवाइस मतलब मास्क जो है नॉर्मल मास्क है, साथ में एक डिफरेंट कलर की डिवाइस आपको दिख रहा है, फिर आपको ट्यूब दिख रहा होगा, दस डिवाइस वी कैन से वेंचुरी मास्क. क्या बोलते हैं, वेंचुरी मास्क. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो कभी भूलना मत. वेंचुरी मास्क में भी बता देता हूं बच्चों, में लिखा है कि ये बेस्ट मेथड है और 4 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देना है. दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एग्जाम एमसीक्यू. मैं बताना चाहता हूं, जब हम वेंचुरी मास्क की बात करें, हम वेंचुरी मास्क की बात करें तो वेंचुरी मास्क नॉर्मली 3 से 15 लीटर पर मिनट O2 डिलीवर कर सकता है. ये नॉर्मल बता रहा हूं, ये नॉर्मल बता रहा हूं. और सीओपीडी वाला पेशेंट डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट मोर ऑक्सीजन. सीओपीडी वाले पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन अडॉप्ट नहीं होगा, अडॉप्ट नहीं होगा. तो बच्चों आपको कितना देना है, सीओपीडी वाले को 4 लीटर, नॉर्मल कितना देते हैं 3 से 15 लीटर. दोनों वेरिएशन जरूरी है, दोनों वेरिएशन जरूरी है. डायरेक्ट वेंचुरी मास्क पूछे तो 3 से 15 लीटर नॉर्मल होता है, सीओपीडी साथ जुड़ गया तो 4 लीटर दोगे, 4 लीटर दोगे. और याद रखना, दिस इज द बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू पेशेंट सफर विद द सीओपीडी. ओके फाइन, ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देख के आगे बढ़ते हैं. जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कैरियर जेएनसी अब की बार एम्स नॉर्सेट पार पे लेके एमसीक्यू विद थ्योरी. बच्चों मैं अभी भी आपको बार बार हिंट दे रहा हूं कि जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखा है, जो रिसेंट पास आउट है, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 दिन में आए हैं, और आपने देखा है सपना नॉर्सेट 2021 को क्रैक करने का, तो बच्चों जेआईएनसी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया एमसीक्यू बैच पढ़ना ना भूलें. इसमें एमसीक्यू तो है ही, प्लस शॉर्ट में थ्योरी भी है. इसको आप स्पीड अप करके, इसको आप स्पीड अप करके स्टडी कर सकते हो. कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो डेफिनेटली इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर कमिंग नॉर्सेट 2021. प्राइस 3500 है. ऑफर जो है ये 25th तक का है बच्चों, 25th का मतलब आज ऑफर का लास्ट डे है. और इस कोर्स को परचेज करने का आप सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाइए, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके लीजिए, 9636032691 पे, फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो बच्चों. फाइंड आउट करिएगा फटाफट, फाइंड आउट करिएगा एग्जैक्टली द इमेज विल इंडिकेटिंग व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड विल यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये कौन सा मेथड है टू एडमिनिस्ट्रेशन का, फटाफट आपको आंसर पुट करना है बच्चों. क्विक आपको आंसर पुट करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड विल यूज टू पेशेंट सफर विथ सीओपीडी. ये हम यूज करते हैं सीओपीडी वाले पेशेंट लिए. आप तुरंत आंसर पुट करेगा बच्चों, तुरंत आंसर पुट करेगा. क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने नेजल कैनुला लिखा हुआ है और आपका आंसर यहां पर सही है, नेजल कैनुला. और नेजल कैनुला जो है यहां पर सीओपीडी वाले पेशेंट को 2 लीटर से ज्यादा नहीं देना है, सीओपीडी वाले पेशेंट को 2 लीटर से ज्यादा नहीं देना है. और वही हम सिंपली बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो नेजल कैनुला जो है
इसे नॉर्मली 1 to 6 लीटर 1 to 6 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट दी जाती है बच्चों, और ये नॉर्सेट का एमसीक्यू हो सकता है, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू हो सकता है, या हम यहाँ पर 24 to 44% भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल की। बस सीओपीडी वालों को 2 लीटर से ज्यादा नहीं देना। बेस्ट मेथड मैंने बता दिया बच्चों वेंचुरी है, बेस्ट मेथड वेंचुरी लिखना। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब गड़बड़ हुआ तो डंडे पड़ेंगे बच्चों। यहां पर एक इमेज दिख रहा है, मैंने गोला भी बना रखा, ध्यान से देखिएगा, एक इमेज दिख रहा है जहां पर मैंने गोला बना रखा बच्चों। अब ये मुझे आप बताएं एक्सरे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सरे क्या इंडिकेट कर रहा है बदमाश बच्चों, आप मुझे क्लियर पुट करिएगा। इस एक्सरे को देखें, इस एक्सरे को देखें जहां मैंने एक एरो बना के ऐसे लिखा हुआ है, इसको देखें एग्जैक्टली व्हाट विल इंडिकेटिंग बाय दिस एक्सरे, ये एक्सरे क्या इंडिकेट कर रहा है। शुक्रिया पूनम, थैंक यू पूनम, फटाफट आंसर पुट करिएगा। एक एक्सरे दिख रहा है और व्हाइट व्हाइट व्हाइटिश पोर्शन दिख रहा है, अब गलत हुआ तो डंडे पड़ेंगे बदमाशों को। व्हाइट लिखा देखे, व्हाइटिश पोर्शन दिख रहा है। मैंने कहा था कुछ टाइम पहले कि यदि पेशेंट के लंग्स में फ्लूइड का भरा हो जाएगा तो एक्सरे में क्या दिखेगा, एयर का भरा हो जाएगा तो एक्सरे में क्या दिखेगा। अब गलत हुआ ना बच्चों, जहां बैठे वही मार पड़ेगी, ध्यान रखना। आंसर पुट करिएगा फटाफट, प्लूरल इफ्यूजन। हाँ, अब अकल ठिकाने आ गई आपकी बदमाशों की। एक्सरे शो द प्लूरल इफ्यूजन, और एक्सरे कब शो करेगा, जब आपके एक्सरे के अंदर 250 ml से ज्यादा लंग्स में फ्लूड भर जाएगा इंट्रा प्लूरल स्पेस में, तभी दिखेगा, तभी दिखेगा। तो अब आपके सामने एक एक्सरे वाला क्वेश्चन आएगा नॉर्सेट में, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गलत मत करना, आप सही करके आना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मैंने के इमेज पुट किया, मशीन आपको दिख रही होगी, इस मशीन के अंदर यहां पर ब्लड को इंसर्ट किया जा रहा है, ब्लड को इंसर्ट किया जा रहा है, यहां पर रीडिंग शो होगा। इस रीडिंग में बच्चों पीएच दिखता है, इस रीडिंग में बच्चों PCO2 दिखता है, इस रीडिंग में बच्चों HCO3 दिखता है, इस रीडिंग में बच्चों O2 सैचुरेशन दिखता है, ये सारे पैरामीटर यहां पर दिखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, What is the name of the device, my loving future nursing officer? Quick answer लिखे हैं, इस मशीन का नाम क्या, इस मशीन का नाम क्या पूछा है। ABC analyzer आप लिख रहे हो, yes, ये होता participation as a student, that I want, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर ABC analyzer मशीन है। और बता देता हूं ये नॉर्सेट 2020 में पूछा हुआ, नॉर्सेट 2020 में पूछा है, इसलिए मैंने मशीन का एक और इमेज था वो भी बताऊंगा, एक और इमेज था वो भी बताऊंगा, थैंक यू रिवा, एक और इमेज था बच्चों वो भी बताऊंगा। मैंने क्लियर यहां पर लिखा हुआ है ABC एनालाइजर मशीन, जिसमें हम देखते हैं बच्चों पीएच देखते हैं, PCO2 देखते हैं, HCO3 देखते हैं, इवन हम पार्शियल O2 सेचुरेशन भी देखते हैं, ये सभी इसमें, थैंक यू स्नेहा। अब एक दूसरा इमेज है, टेकिंग सैंपल फॉर ABC, ये क्वेश्चन भी आया था नॉर्सेट में। क्वेश्चन ऐसा था कि ये पर्सन जो है ये नीडल को इंसर्ट करें, ये जो नीडल इंसर्ट हो रहा है ये आर्टरी में हो रहा है बच्चों, ये कहां पर हो रहा है, आर्टरी में। और हमेशा याद रखना ABG एनालिसिस लिए जब भी हम ब्लड लेंगे, हम ब्लड कहां से लेंगे, आर्टरी से, कहां से लेंगे, आर्टरी से। और ये जो दिख रहा है ये रेडियल आर्टरी है, कौन सा है, ये रेडियल आर्टरी है। और आपको अच्छे से पता होगा मोस्ट कॉमन आर्टरी टू टेकिंग सैंपल फॉर ABG एनालिसिस, आपको आंसर क्या लिखना है, रेडियल आर्टरी, क्या लिखना बच्चों, रेडियल आर्टरी, यस यस दैट आई वांट, शाबाश, थैंक यू गुनगुन, बिल्कुल सही, रेडियल आर्टरी से लिया जा रहा है, ये ABG का सैंपल है। और याद रखना बदमाश बच्चों, हिपेरिनाइज्ड, याद रखना कि सैंपल किस में लेते हैं, हिपेरिनाइज्ड, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में सैंपल कलेक्ट किया जाता है। नेवर नेवर फॉरगेट सैंपल कलेक्टिंग फॉर द ABG एनालिसिस, इवन इवन मोर, यहां पर देखिएगा ये प्री हेपेरिनाइज सिरिंज आपको दिख रहा होगा, द सिरिंज विल यूज टू टेकिंग सैंपल फॉर द ABG एनालिसिस। अब आप समझ चुके होंगे अगले क्वेश्चन पूछने वाला हूं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस रिगार्डिंग, पिक्चर क्लियर हो गई होगी, एक MCQ वहां से नॉर्सेट पकड़ता है, और आज वो भी मैं क्लियर करके आगे चलूंगा ताकि नॉर्सेट वाला भी सोचे कि MCQ कहां से डालें। JNC के बच्चों को हर MCQ आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट लिखा मैंने, एक MCQ पुट किया है कि हाई प्लाज्मा PaCO2 क्या है,
हाई प्लाज्मा PaCO2 का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन आपके पास में, हाई प्लाज्मा PaCO2 ज्यादा, PaCO2 ज्यादा। इस पिक्चर से, इस क्वेश्चन से काफी कुछ आप रिमेंबर कर लोगे बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखना हमने बात की पीएच, सभी को पता है 7.35 टू 7.45 होती है। यदि ये पीएच जो है, यदि ये पीएच 7 है और 7 से कम है, मतलब आपके पास जो पीएच है बच्चों वो 7.35 टू 7.45, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपके पास पीएच है। यदि पीएच 7.35 से कम होगा तो ये क्या कहलाता है, एसिडोसिस, क्या कहलाता है, एसिडोसिस। और 7.45 से ज्यादा होगा तो ये क्या कहलाता है बच्चों, एल्कलोसिस, क्या कहलाता है, एल्कलोसिस। ये पिक्चर क्लियर, बहुत बच्चों ने सही आंसर लिखा। अब देखना, क्वेश्चन समझना, इफ पीएच इंक्रीज, इफ पीएच इंक्रीज PCO2 डिक्रीज। क्वेश्चन को समझना, यदि पीएच बढ़ा तो PCO2 कम होगा, मतलब सीधा, मतलब सीधा, यदि आप पीएच हो, आप पीएच हो तो आपका दुश्मन PCO2 है, यदि आप पीएच हो तो आपका दुश्मन PCO2 है। समझ गए मेरी कहानी, आप राइट में जाओगे वो लेफ्ट में जाएगा, आप लेफ्ट में जाओगे वो राइट में जाएगा। हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस जब भी हमें देखना हो तो याद रखना पीएच के अपोजिट PCO2 होगा, आपके विपरीत कौन जाएगा, आपका दुश्मन। तो याद रखना PCO2 इट्स योर दुश्मन और यू आर सेल्फ दैट वी कैन से पीएच। तो पिक्चर मैंने यहां पर क्लियर कर दिया बच्चों, समझ आना। इन्होंने कहा है कि प्लाज्मा PaCO2 मतलब PaCO2 तो ज्यादा है, ज्यादा है, और सामने पीएच जो है वो कम है, और पीएच कम होगा तो हम क्या कहेंगे, एसिडोसिस कहेंगे। और ये PCO2 सामने बढ़ गया तो PCO2 किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्पिरेटरी। पिक्चर क्लियर हो गई आपकी, पिक्चर क्लियर हो गई माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके से आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना बोथ आर प्रोपोर्शनेटली ऑपोजिट, और दूसरा PCO2 तो रिप्रेजेंट करेगा रेस्पिरेटरी को, और बच्चों HCO3 रिप्रेजेंट करेगा मेटाबोलिक, याद रखना बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेटाबोलिक। और HCO3 जो है, HCO3 जो है ये किसका बेस्ट फ्रेंड है, पीएच का, किसका बेस्ट फ्रेंड है, पीएच का, मतलब HCO3 बढ़ा तो पीएच भी बढ़ा। तो अपने प्रिय मित्र का नाम रख लीजिएगा HCO3, बेस्ट फ्रेंड का नाम रख लीजिएगा HCO3 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मतलब जिधर आप जाओगे आपका दोस्त भी उधर जाएगा। तो आपके साथ यदि HCO3 बढ़ रहा है, आपके साथ यदि HCO3 कम हो रहा है, दैट इंडिकेटिंग मेटाबोलिक, दैट इंडिकेटिंग मेटाबोलिक। दोनों पिक्चर को समझना, एक दुश्मन है PCO2, एक दोस्त है HCO3, आप हो पीएच, PCO2 आपके अपोजिट, HCO3 आपके साथ। तो मतलब HCO3 आपके साथ जा रहा है, आपके साथ कम हो रहा है, वो मेटाबोलिक को रिप्रेजेंट करेगा, और PCO2 आपके विपरीत जा रहा है, वो रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट करेगा। इस कहानी को समझने के लिए एक मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, एक मैकेनिज्म को आपको बता रहा हूं, समझ जाना मैकेनिज्म क्या है। यदि आपकी पीएच नॉर्मल है और उसके साथ PCO2 और HCO3 दोनों में से कोई एक अबनॉर्मल है, तो ये वर्ड हमेशा कहता है कंपनसेट। पीएच नॉर्मल के साथ दोनों में से कोई एक वैल्यू एबनॉर्मल है तो याद रखना ये कंपनसेट कहलाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन पूछूंगा बदमाशों से, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू रितु, मैंने बीम लिखा है कि पार्शियल कब आएगा, जब तीनों एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल, PCO2 एबनॉर्मल, HCO3 एबनॉर्मल। समझ जाना, जब तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है, चाहे वो मेटाबोलिक हो चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, आएगा वर्ड क्या बच्चों, पार्शियल, आएगा वर्ड क्या बच्चों, पार्शियल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और जब पीएच आपका एबनॉर्मल है और दोनों में से एक वैल्यू एबनॉर्मल है, यहां पर भी PCO2 HCO3 में से एनी वन एबनॉर्मल है, तो समझ जाना पेशेंट को अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा, पेशेंट को अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा। इन तीनों वर्ड को लिख लेना अभी, और अभी हिसाब लूंगा,
अभी हिसाब लूंगा, कल के लिए वक्त नहीं है, आज का ट्रीटमेंट आज ही होना चाहिए। शुक्रिया कविता। पीएच नॉर्मल, पीसीओ टू एचसीओ थ्री में से एक एबनॉर्मल तो कंपनसेट, तीनों एबनॉर्मल का मतलब पार्शली कंपनसेट, और पीएच एबनॉर्मल के साथ एक एबनॉर्मल मतलब अनकंपनसेट, मतलब अनकंपनसेट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। अब आपका नंबर है बदमाशो, लिख लिया आप सभी ने, लिख लिया, इसमें से देख के भी बताने की कोशिश करना, आंसर आपको ही देना, आंसर आपको ही देना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, नर्स रिव्यू एबीसी रिजल्ट ऑफ द क्लाइंट एंड नोट फॉलोइंग पीएच। अब यहां देखना, अब यहां देखना, पीएच जो है, पहले तो ये देखो पीएच क्या है, पीएच नॉर्मल है, पीएच 7.35 टू 7.45 बताया, पीएच नॉर्मल है। पीसीओ टू बच्चों नॉर्मली 35 से 45 होती है, और यहां पर 30 है तो ये एबनॉर्मल है। एचसीओ थ्री 20 है, नॉर्मली 22 से 27 होता है तो ये 20 है, मतलब ये भी एबनॉर्मल है। तो पहले तो यहां पर पीएच जो है वो नॉर्मल है, और ये दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, याद रखना। या कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा पहले ये समझिएगा, फिर हम पढ़ेंगे कौन सा रेस्पिरेटरी होगा, मेटाबॉलिक। क्लियर एवरीवन? पीएच नॉर्मल है 7.45, इसके साथ दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, वी कैन से कंपनसेट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके फाइन। दूसरा, अब हमें देखना है कि रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक। मैंने कहा था जब पीएच 7.45 है तो पीएच बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है। दूसरा, पीसीओ टू कम हो रहा है, दुश्मन कम हो रहा है, साथ में एचसीओ थ्री कम हो रहा है। मैंने कहा था ना एचसीओ थ्री तो पीएच का दोस्त था, तो मेटाबॉलिक तो नहीं हुआ, मेटाबॉलिक तो नहीं हुआ। अब पीएच बढ़ रहा है और पीसीओ टू कम हो रहा है, पीसीओ टू कम हो रहा है। अब मुझे आप बताएं कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर। पहली बात तो मैं क्लियर कर लूं कि ये मेटाबॉलिक नहीं होगा, क्योंकि HCO3 ने साथ नहीं दिया, तो दो आंसर बच्चों बाहर हो गए, दो आंसर बाहर हो गए। और अब मैंने आपको बताया था कि यदि पीएच नॉर्मल है और दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है तो कंपनसेटरी कहलाता है। अब आप इसमें से कंपनसेटरी को छोड़ दो, अनकंपनसेटरी को हटा दो, अब आपका सही आंसर क्या मिला, बी। इस पैटर्न को कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न, मतलब एक एक आंसर को बाहर करते जाओ, लास्ट में एक बचेगा, एक एक उस आंसर को बाहर करें जिसका कोई वास्ता नहीं है, लास्ट में एक आंसर मिलेगा। और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, हाउ टू क्रैक नॉर्सेट 2021। तो कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए, बड़ा आसानी से हमने सॉल्व किया, बड़ा आसानी से हमने सॉल्व किया। हमारे पास एक ही पैरामीटर मिला जो सही था, बाकी तीनों रॉन्ग थे, बाकी तीनों रॉन्ग थे। तो किसी को कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए आप पर, किसी को कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए आप पर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, एक और एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए क्लाइंट हु इज फाउंड अनरेस्पॉन्सिव हैज एबीसी ड्रॉन रिजल्ट इंडिकेट पीएच बच्चों 7.12, मतलब एबनॉर्मल कम है, एबनॉर्मल। पीसीओ टू 90 मतलब एबनॉर्मल, एचसी थ्री ओ नॉर्मल, एचसीओ थ्री ओ नॉर्मल। अब एक और कहानी देखिएगा, यहां पीएच एबनॉर्मल है, साथ में दोनों में से एक एबनॉर्मल है। पहले अपने माइंड में पिक्चर क्लियर कर लीजिएगा कि ये पीएच यहां पर एबनॉर्मल है, दोनों में से एक एबनॉर्मल है। इस मैकेनिज्म को मैंने क्या बताया था, अनकंपनसेटरी, बिल्कुल गौरव, थैंक यू। उसके अलावा, उसके अलावा जब यहां पर पीएच डिक्रीज हो रही है बच्चों, साथ में एचसीओ थ्री इंक्रीज हो रही है, मैंने कहा था ना ये दोनों दुश्मन काम कर रहे हैं, दुश्मन काम कर रहे हैं। एचसीओ थ्री नॉर्मल है तो ये पिक्चर किससे बिलोंग करेगा, रेस्पिरेटरी से, किससे बिलोंग करेगा, रेस्पिरेटरी से। अब पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा तो क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। पीएच कम हो रहा तो क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। ओके फाइन। अब हमें देखना है
एक में मेटाबॉलिक लिखा, फिर मेटाबॉलिक हो गया बाहर, क्योंकि HCO3 तो नॉर्मल है तो हमें यहां मेटाबॉलिक से कोई मतलब नहीं। बी में लिखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेट, कंपनसेट तब होता जब पीएच नॉर्मल होती, कंपनसेट तब होता जब पीएच नॉर्मल होती। यहां लिखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कह रहा हूं मेटाबॉलिक नहीं है। अब आपके पास एक ही बचा और उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेट। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कोई क्वेरी समझ में आ रहा है ना आपको? हमेशा याद रखना, आपका दुश्मन आपके ऑपोजिट जा रहा है और आपका दोस्त शांत बैठा हुआ है, तो ये मैकेनिज्म हो गया रेस्पिरेटरी। दूसरा याद रखना, पीएच कम हो रहा तो एसिडोसिस, पीएच ज्यादा हो रहा तो एल्कलोसिस। तो आपको यहां दुश्मन पे भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, दोस्त का भी ख्याल रखना है। और मैंने कहा था पीएच नॉर्मल है, दोनों में से दोनों मैकेनिज्म एबनॉर्मल है तो कंपनसेटरी, तीनों एबनॉर्मल है तो अनकंपनसेटरी, पीएच एबनॉर्मल के साथ कोई एक एबनॉर्मल है तो अनकंपनसेटरी। ये कहानी मैंने आपको समझाई थी और उस कहानी के साथ साथ आपको आंसर को आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन ही आते हैं नॉर्सेट 2021 में, आप हंस के क्लियर कर लोगे बच्चों। तो यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चों को? ओके फाइन, थोड़े और क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरी पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपके ब्रेन में। द नर्स वुड एंटीसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी रिजल्ट इन द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग। यहाँ क्या लिखा है? प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अस्थमा। अब पहले कहानी को समझना, पहले कहानी को समझना। अस्थमा को हम क्या कहते हैं? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अस्थमा को हम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आपके लंग्स में कौन बढ़ेगा? CO2। लंग्स में कौन बढ़ेगा? CO2। जब CO2 लंग्स में बढ़ेगा तो बच्चों पीएच क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये दोनों तो दुश्मन थे ना, तो पीएच क्या होगी? कम होगी। तो काफी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, काफी थैंक यू कंचन, काफी पिक्चर क्लियर हो। लेकिन मैंने लिखा प्रोलॉन्ग सीवियर अस्थमा, लंबे समय से अस्थमा है। अस्थमा एक तरह का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है। जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो लंग्स में CO2 क्या होगा? बढ़ेगा। CO2 बढ़ेगा तो पीएच क्या होगी? कम होगी। अब यहां पर आपको पता कैसे लगाना, ये समझो, पिक्चर को ध्यान से देखो, पता कैसे लगाना है। यहां लिखा डिक्रीज PaCO2, मैंने कहा था PCO2 बढ़ेगी, याद है ना, PCO2 बढ़ेगी, तो डिक्रीज वर्ड आते हैं, इसको बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया। बी में लिखा इंक्रीज PCO2, डिक्रीज PaO2, डिक्रीज पीएच। अब यह बी थोड़ा ससेप्टिबल लग रहा है। सी में लिखा अगेन इंक्रीज PaCO2, PCO2 बिल्कुल इंक्रीज होगा, बट दुश्मन के साथ। याद रखना पीएच जो है उसका दुश्मन है, दोनों एक साथ नहीं बढ़ेगा, दोनों एक साथ नहीं बढ़ेगा। मतलब PaCO2 बढ़ रहा है तो सही है, बट पीएच साथ में नहीं बढ़ेगा, पीएच साथ में नहीं बढ़ेगा। डी में लिखा डिक्रीज, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीज की तो कहानी कर दी, ये बार हो गया, ये बार हो गया, यहां आपका PCO2 के साथ पीएच को लिखा तो ये बार हो गया। अब आपके पास एक ही तो ऑप्शन बचा है। This is the way how to eliminate. This is the way how to eliminate, my loving future nursing officer. हमें किक लाइन को पढ़ना है, फोकस करना है और उस एंड रिजल्ट तक पहुंचना है, that exactly what we want. What we want, my loving future nursing officer. अब समझ में आया कहानी आपको? इस तरीके के क्वेश्चन से घबराने का नहीं, बड़े आसान है और आप कर लोगे, आप कर लोगे बच्चों। ओके फाइन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। एक और क्वेश्चन मैंने पुट किया बच्चों की क्लाइंट एबीजी रिजल्ट आर फॉलो पीएच 7.16। पीएच एक तो एबनॉर्मल है, दूसरा पीएच डिक्रीज है। जब डिक्रीज आता तो याद रखना, हमें याद रखना है पेशेंट को एसिडोसिस है, पेशेंट को एसिडोसिस है। दूसरा PCO2 बढ़ा हुआ है, PCO2 बढ़ा हुआ है ये भी एबनॉर्मल, बट बच्चों ये इंक्रीज है। तो इस कहानी से यहां तक तो हमने सीखा कि दोनों दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ है। पीएच कम हो रहा तो एसिडोसिस हो रहा है, PCO2 बढ़ रहा है तो ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट कर रहा है। इधर हमने देखा HCO3 नॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है, इवन PO2 46 है। तो आप मुझे बताएंगे ये कंडीशन क्या कहलाएगी? इतना आसान MCQ, इतना आसान MCQ। मैंने कहा था पीएच कम हो रही है तो क्या बोलेंगे बच्चों? एसिडोसिस बोलेंगे। तो डेफिनेटली एल्क्लोसिस बाहर हो गया, एल्क्लोसिस बाहर हो गया। दूसरा मैंने कहा था पीएच का दुश्मन PCO2 है और PCO2 इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी, क्योंकि HCO3 नॉर्मल है।
तो बच्चों मेटाबॉलिक भी बाहर हो गया, अब आपके पास ऑप्शन बचा सी, आपके पास ऑप्शन बचा सी। कोई क्वेरी बच्चों, समझ में आया आपको? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दैट इज अ वे हाउ टू क्रैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया गजेंद्र। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उसको हटाते जाओ जिससे कोई वास्ता नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर 200% करेक्ट होगा, आपका आंसर जो है वो 200% करेक्ट होगा बच्चों। ओके फाइन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पार्शियली कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हमका कौन सा वो पेशेंट है जिसको पार्शियली कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्सपीरियंस हो गया? शुक्रिया प्रकृति, शुक्रिया बच्चा। मैंने लिखा ऑप्शन आपके सामने, अब थोड़ा ट्रिकी घुमा के पूछा है। मैंने आपको कंडीशन पहले दिया, पहले याद रखिएगा, पहले याद रखिएगा। यहां लिखा है पार्शियल कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पार्शियली मैंने कहा था पीएच जो है ये भी एबनॉर्मल, मैंने कहा था PCO2 है ये भी एबनॉर्मल, मैंने कहा था HCO3 है ये भी एबनॉर्मल। जहां तीनों एबनॉर्मल है वो पार्शियली कहला रहा था। थैंक यू सो मच मंजू। जहां तीनों एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल, PCO2 एबनॉर्मल, HCO3, वो पार्शियल कहला रहा था। दूसरा मैंने लिखा है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मतलब लड़ाई किस किस के बीच में, लड़ाई किस किस बीच में, दोनों के बीच में। अब इन्होंने कहा है कि एसिडोसिस है तो पीएच यहां पर कम होना चाहिए और PCO2 यहां पर बढ़ना चाहिए, मतलब सीधा कि तीनों ही एबनॉर्मल मिलने चाहिए, पीएच कम होना चाहिए, PCO2 बढ़ना चाहिए। इसका मतलब तो सीधा होगा, चार ऑप्शन में देखिएगा बच्चों, चार ऑप्शन में देखिएगा। मैं पहले हिंट देता हूं, सबसे पहले मैं PCO2 यहां पर जो है वो एबनॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, बट मैंने कहा था पीएच यहां पर कम होना चाहिए तो पीएच नॉर्मल है तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में लिखा है PCO2 53 है, पीएच 23 है, HCO3 देखिए ये भी एबनॉर्मल है, 27 था नॉर्मल, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है। दूसरा यहां पर पीएच कम है, मैंने कहा पीएच कम होना चाहिए, PCO2 ज्यादा, यानी कहा PCO2 ज्यादा होना चाहिए, और मैंने कहा तीनों एबनॉर्मल होना चाहिए तो ये एक लग रहा है। तीसरे में कहा PCO2 45, पीएच 49, बट HCO3 नॉर्मल हो गया, ये भी नहीं होगा। तीसरे में PCO2 50, पीएच 7.3, HCO3 ये भी नॉर्मल हो गया, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास एक ही तो बचा जहां तीनों एबनॉर्मल है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। क्या बात है बच्चों, रियली सुपर पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दोज आर वॉचिंग नॉर्सेट श्योर सिलेक्शन क्लास। आपने हर टप से टप एमसीक्यू इजी बनाया, मैंने जो भी कंडीशनल क्वेश्चन थे बच्चों आपके सामने पुट किया है, रियली यू डिड फंटास्टिक जॉब। अब पूछना एम्स को है, पूछना कहां से पूछे, JINC के बच्चे यहां पर तैयार हो गए हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस, कंपनसेट, अनकंपनसेट, पार्शियल कंपनसेट के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया। जब मैं रीनल सिस्टम के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको मेटाबोलिक की भी याद दिलाऊंगा, वहां पर नहीं तो कंफ्यूजन ना हो, वहां आपको मेटाबोलिक की भी याद दिलाऊंगा बच्चों। ओके फाइन। अब नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन DHS के बारे में बता देता हूं। DHS स्टाफ नर्स आया शिलोंग मेघालय में बच्चों, शिलोंग मेघालय में जो वैकेंसी आई है उसके लिए JNC का कोर्स अवेलेबल है 3499, और यहां पर भी बच्चों 100 MCQ का पेपर है, और 100 MCQ के पेपर में बता दूं 100 के 100 नर्सिंग MCQ आने वाले, यहां पर 100 के 100 नर्सिंग MCQ आने वाले हैं, जिसका जो सिलेबस JNC ने प्रिपेयर कर दिया 3499 अवेलेबल है। जो बच्चे शिलोंग और मेघालय से JNC के फॉलोअर्स हैं, JNC ई नर्सिंग पे जो पढ़ते हैं, उन्होंने इस कोर्स को लेके शिलोंग और मेघालय में आप नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है शिलोंग मेघालय में। लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू हरिओम, थैंक यू सो मच पुष्पा, द थैंक्स एवरी वन टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। थैंक यू अंकिता। इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाएगा, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके मेल आईडी को लॉगिन करके परचेज कर सकते हैं बच्चों। ये शिलोंग वाले बच्चों के लिए, मेघालय शिलोंग वाले बच्चों के स्पेशल कोर्स है बच्चों। नेक्स्ट लिखा है कम्युनिकेट फ्रैक्चर। देखिए नाउ विल एंटर इनटू द स्केलेटल सिस्टम। बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलमोस्ट हमने कवर किया, कुछ इमेज बेसिस है वो मैं आपको इमेज बेस वाले लेक्चर में कवर करूंगा। मैंने कहा था ना 500+ इमेजेस की क्लास लेने वाला हूं बच्चों मैं, क्योंकि नॉर्सेट की जर्नी पूरी करने के लिए JNC के आर्मी को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। वो लगातार मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, जल्दी धमाका होगा, बट आपको
रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करने के बाद थैंक यू सो मच गौरी. नेक्स्ट हम पढ़ रहे बच्चों कम्युनिटेड फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज अ ब्रेक ऑफ द बॉन्ड दैट प्रोड्यूस. मतलब सीधा कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मीनिंग क्या, मीनिंग क्या बच्चों. ऑप्शन आपके सामने है ब्रोकन एंड अनदर सेट. एक तरफ बॉन्ड टूटेगी, ये पेशेंट की बॉन्ड है, ये पेशेंट की बॉन्ड है. हियर यू कैन सी एवरीवन, मतलब इधर बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ और बैंड जो है दूसरी तरफ होगा, ऑपोजिट साइड. क्या हम उसको कम्युनिटेड बोल सकते हैं, या एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉन्ड पूरा चला गया, या हम बोल सकते स्पायरल फ्रैक्चर, या हम बोल सकते सेवरल बॉन्ड फ्रेगमेंट, सेवरल बॉन्ड फ्रेगमेंट. क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, विच इज द राइट आंसर. कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मीनिंग मैंने आपसे पूछा है, मीनिंग मैंने आपने पूछा है क्या सही होगा. ब्रेक बॉन्ड इन अ पीस, ब्रेक बॉन्ड मेनी फ्रेगमेंट. क्या बात है, क्या इट्स ओके आयशा, आई विल ट्राई टू स्पीक. चार ऑप्शन है बच्चों, सही आंसर पुट करिएगा. कम्युनिटेड फ्रैक्चर मैंने आपको पूछा, आपने यहां पर डी लिखा, आपका आंसर बिल्कुल सही है. इस पिक्चर को आप देखिएगा, दैट वी कैन से कम्युनिटेड फ्रैक्चर. इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. मतलब सीधा ये आपकी बॉन्ड थी, बॉन्ड में ब्रेक हुआ, बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद बॉन्ड बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटा, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर वी कैन से कम्युनिटेड फ्रैक्चर. मतलब बॉन्ड ब्रेक इन मेनी फ्रेगमेंट्स, पार्ट्स, पीसेस, दैट इज अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर, दैट इज अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर. ओके फाइन, बहुत बढ़िया. जिन्होंने यहां पर डी लिखा और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया तो गड़बड़ मत करना, ये भी मैंने पुट कर दिया. सम टाइम दे आस्किंग इमेज बेस्ड, यू विल पुट द राइट आंसर. आपको ऐसा इमेज देख करके पुटे तो भी आप सही आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन, इसी से शुरुआत करते हैं. नेक्स्ट में कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आपको बताता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है. देखिए पहला टाइप मैंने लिखा बच्चों क्लोज फ्रैक्चर का नाम है सिंपल, मतलब डज नॉट ब्रेक स्किन. जैसे ये आपकी बॉन है, ये आपकी बॉन है, हियर यू कैन सी दिस इज योर बॉन, दिस इज योर बॉन, और ये बॉन के ऊपर स्किन है, ये बॉन के ऊपर स्किन है बच्चों. मतलब सीधा यहां बॉन तो ब्रेक हुआ है, बॉन तो ब्रेक हुआ है, बट योर स्किन डज नॉट ब्रेक, योर स्किन जो है डज नॉट ब्रेक. बॉन ब्रेक हुआ है, स्किन ब्रेक नहीं हुआ. मतलब स्किन के अंदर ही बॉन टूटा हुआ, स्किन के अंदर ही बॉन टूटा हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दैट सिंपल, दैट सिंपल वी कैन से क्लोज फ्रैक्चर. बॉन ब्रेक हुआ, स्किन डज नॉट ब्रेक, स्किन नहीं टूटा है, तो दैट वी कैन से क्लोज फ्रैक्चर. और हम इसको बोल सकते हैं बच्चों सिंपल फ्रैक्चर. क्लियर एवरीवन? ओके फाइन. बीम लिखा ओपन फ्रैक्चर, इसका नाम है कंपाउंड फ्रैक्चर. ब्रोकन एंड ऑफ द बॉन प्रोट्रूड थ्रू द स्किन. मतलब सीधा ये आपकी बदमाशों बॉन है, इस बॉन का ब्रेकिंग तो हुआ, बॉन टूटा तो है, यहां पर बॉन आपका टूटा है, ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है, ध्यान से देखना. यहां पर बॉन टूटने के बाद स्किन से बाहर आ गई, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर वी कैन से ओपन फ्रैक्चर और वी कैन से कंपाउंड फ्रैक्चर. क्लियर समझ मारा ना आपको, क्लियर समझ मारा. शुक्रिया अबनिका. ओपन मीन्स बॉन ब्रेकन डाउन, स्किन को भी तोड़ दिया और बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है. दैट मीन्स इस बॉन को हम क्या बोलते हैं, इस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर. बदमाश बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आप सभी को अपने लोगो में JINC जोधपुर का लोगो लगाना है. और शोइंग योर यूनिटी टूवर्ड्स JINC, और ये आप टीम JINC को और ताकतवर बनाएगा, और उसका बेनिफिट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलेगा. सिर्फ आपको यही काम करना है, सिर्फ एक ही डिमांड आपसे JINC ने किया है कि आप अपने प्रोफाइल को बदलें, JINC का लोगो लगाएं, और जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें तो हर बच्चे का लोगो दिखे JINC, दैट इंडिकेट सर वी आर विथ यू. और हमेशा आप मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे, बट आई लव यू लॉट टू एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बट यू विल शोइंग योर पावर टूवर्ड्स JINC. ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 5 मिनट का काम है बच्चों, सब आपको प्रोफाइल चेंज करना है, JINC को लोगो लगाना है, और जब कमेंट बॉक्स की तरफ मेरी नजर जाए ना तो सिर्फ एक ही चीज दिखे मुझे, JINC फैमिली, आई विल डू मोर हार्ड वर्क टू सक्सेस यू. और ये एक अपनापन है, एक प्यार,
एक हॉनेस्टी, एक डेडिकेशन डेवलप करता है। ये छोटी छोटी बातें जो इंसान को स्ट्रांग बनाती है। और आई एक्सपेक्ट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डेफिनेटली मैं आपसे उम्मीद करूंगा, इट्स माई, कहते ना कि मेरा हक है और आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। तो फटाफट जल्दी क्लास में करें, क्लास के बाद करें, अपने प्रोफाइल पे जेएनसी का लोगो लगाएं, गूगल पे बहुत सारे लोगो पड़े हैं, और इसके बाद आप शो करें कि सर वी आर ट्रू हार्टेड विथ यू। देखिए आपके अशोक सर, आपके कुमावत सर, टीम जेएनसी रात दिन एक कर देंगे मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपकी तरक्की जेआईएनसी की सफलता, और वो तभी पॉसिबल हो सकती जब दोनों मिलकर लड़ेंगे। अब आप तो लोगो लगाने से घबरा रहे, तो मैं कैसे भरोसा करूं मेरे बच्चों पे? इसलिए छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको एक अच्छा बॉन्डिंग डेवलप करने में मदद करती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू विल डू एवरीबडी। तो फटाफट जल्दी क्लास में, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लगा रखा है, जिन्होंने लगा रखा लोगो, आपको गाइड करेंगे और यू विल डू इट, और शो करिएगा बच्चों कि यस दैट इज अ पावर ऑफ जेआईएनसी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, एक इमेज मैंने आपके सामने पुट की, ध्यान से देखना बदमाशों, इमेज को देखिएगा, इस इमेज को देख के आपको बताना ये कौन सा फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर, क्विक आपको आंसर देना है। मैंने इमेज आपके सामने पुट किया, लिखा है फाइंड आउट इट, और आप मुझे बताएं कौन सा फ्रैक्चर। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, यहां प्रेशर पुट हुआ, इधर से भी प्रेशर पुट हुआ, इधर से भी प्रेशर पुट हुआ, और दोनों प्रेशर की वजह से बीच का जो बॉन्ड का पार्ट था वो ब्रेक हुआ, वो ब्रेक हो गया। ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर बच्चों, ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर, क्विक पुट करना बच्चों, क्विक पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, डू इट एवरीवन, डू इट एवरीवन। ये कौन सा फ्रैक्चर होगा, ऑप्शन नहीं होगा, आपको सीधा आंसर पुट करना है, ऑप्शन नहीं होगा, सीधा आंसर पुट करना बच्चों, क्विक इट। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर क्लोज लिखा है, क्लोज नहीं है, या स्किन कहां दिख रहे बच्चों, क्लोज नहीं, दैट वी कैन से स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयर लाइन फ्रैक्चर। ये ज्यादातर जो ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट होता ना, ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये कॉज करता है मेटाबोलिक फ्रैक्चर, ये कॉज करता है मेटाबोलिक, मेटाबोलिक फ्रैक्चर, और ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज जो मेटाबोलिक फ्रैक्चर, मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्प्लिकेशन है। ग्रेट नीतू, ये ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्प्लिकेशन है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर और हेयरलाइन फ्रैक्चर, क्रैक बॉन्ड ड्यू टू द रिपीटेशन प्रेशर, एक ही जगह बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट की बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाती है, उसी को स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि व्हेन कैरिंग फॉर द नियोनेट, ध्यान से समझना, व्हेन कैरिंग फॉर द नियोनेट ऑफ अ डायबिटिक मदर, वेट जो उसका है 4.5 ग्राम, हु हैज डिलीवर वेजाइनल, मतलब 4 किलो 500 ग्राम उसका वजन है, वेजाइनल डिलीवरी किया, नर्स शुड असिस्ट नियोनेट फॉर द फ्रैक्चर, हो तो बच्चे को कौन सा फ्रैक्चर हो सकता है। अब ये थोड़ा सा समझना होगा बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन क्या कहता है, जब आप केयर करें नियोनेट का, मदर डायबिटीज थी, जैसे मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को हमेशा लार्ज बेबी होता है बच्चों, लार्ज बेबी होता है, अब डेफिनेटली वेजाइना के द्वारा डिलीवर करते हैं, ज्यादातर हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं, अब इन्होंने कहा कि व्हेन कैरिंग ऑफ नियोनेट द डायबिटिक मदर, वेट 4.5, 4 किलो 500 ग्राम, हु वाज डिलीवर वेजाइनल, और वेजाइना के थ्रू डिलीवर हो रहा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्स शुड असिस्ट नियोनेट फॉर द फ्रैक्चर। किस तरीके का फ्रैक्चर होगा, क्लेविकल फ्रैक्चर होगा, स्कल फ्रैक्चर होगा, रिस्ट फ्रैक्चर होगा, या रिब केज। अब आपको आंसर पुट करना बच्चों, कौन सा फ्रैक्चर होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वो कौन सा फ्रैक्चर होगा, कौन सा फ्रैक्चर होगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर क्लेविकल लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट बच्चों ने क्लेविकल ब्यूटी बोन लिखा, बिल्कुल आपका आंसर सही है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो यहां पर क्लेविकल होता है 0.5 to 1%, उसके अलावा लॉन्ग बोन है, फीमर में हो सकता है। क्लेविकल को बच्चों हम लोग कॉलर बोन बोल सकते हैं, क्लेविकल को हम लोग ब्यूटी बोन बोल सकते हैं, क्लेविकल को हम लोग हॉरिजेंटल बोन बोल सकते हैं, और क्लेविकल फ्रैक्चर जो है, क्लेविकल फ्रैक्चर को ट्रीटमेंट में हम लोग फिगर ऑफ एट, ध्यान से देखना बच्चों, फिगर ऑफ एट बैंडेज लगाते हैं, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, फिगर ऑफ एट जो है वो बैंडेज हम लगाते हैं
क्लेविकल वाले पेशेंट के फ्रैक्चर में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। फिगर ऑफ एट हम यूज करते हैं और ये मोस्ट कॉमन होता है, इसी को डिफरेंट नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ब्यूटी बोन हम बोल सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत सारे फ्रैक्चर्स मैंने यहां पर पुट किया, मैं सबके नाम पुट कर देता हूं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, देखिए बोन जो है क्लियर, देखिए हम कोई भी एक राउंड सेक्शन है, हम राइट टू लेफ्ट इसको कट करते हैं, ये ट्रांसवर्स होता है, हम ऊपर से नीचे कट करते हैं, ये दैट वी कैन से लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गी, और हम तिरछा कट करते हैं, ये ऑब्लिक होता है, ये ऑब्लिक होता है। अब जैसे जैसे आपको दिख रहा है, जैसे ये सीधा है तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, दूसरा ऐसा तिरछा है तो ये ऑब्लिक फ्रैक्चर हो गया, तीसरा स्पाइरल हो गया, लाइक दैट स्पाइरल हो गया, दैट वी कैन स्पाइरल फ्रैक्चर, चौथा लॉन्गिट्यूडनल हो गया ऊपर से नीचे। तो कभी कभी इमेजेस होते हैं एग्जाम में, इमेजेस दिया होता है, हमें इमेजेस को देख करके आइडेंटिफाई करना होता कि सर एग्जैक्टली ट्रांसवर्स का मतलब ट्रांसवर्स व्यू में कट होगा, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल व्यू में, ऑब्लिक का मतलब ऑब्लिक व्यू में। बड़ा आसान है फाइंड आउट करना, ऑलमोस्ट फ्रैक्चर सब में दिख रहा है, बट डिफरेंट व्यू से बॉन ब्रेक होता है, डिफरेंट व्यू से बॉन ब्रेक होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो दीज आर द सब टाइप्स। इवन एक और मैंने पुट किया यहां पर, देखिएगा फाइंड आउट करना है, ये मैंने बॉन स्कल का है, ये जो स्कल का बॉन है, और इसको आप ठीक से देखोगे इस तरीके से बॉन ब्रेक हुआ है, इस तरीके से बॉन ब्रेक हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्चर वी कैन से, ये कौन से टाइप्स का फ्रैक्चर होगा बच्चों। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा, सही आंसर पुट करने की कोशिश करना। बॉन जो है बहुत सारे टुकड़ों में टूटा है, बहुत सारे फ्रेगमेंट में ब्रेक हुआ है, व्हाट वी कैन सी, कौन सा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हो सकता है, कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर हो सकता है। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, काफी बच्चों ने लोगो चेंज किया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों। जिन्होंने नहीं किया फटाफट प्रोसीड करें, चलती क्लास में आज एक नया कीर्तिमान रच दें बच्चों, एक नया कारनामा कर दें और शो करिएगा आउट ऑफ 2000 के 2000 बच्चों, जेएनसी की लोगो लगा के धमाका करिएगा आज, कुछ अलग कुछ यूनिक तभी होता है जब आप ठान लेते हो। और जेएनसी आपका हमेशा अपने लिए टास्क क्रिएट करता है, फिर मेहनत करता है, तो कुछ अलग करने का बेहतरीन तरीका, यू विल चेंज द जेएनसी, यू विल चेंज योर लोगो, पुट द जेएनसी लोगो और शो करिएगा सर दिस इज द यूनिटी, फटाफट करिएगा बच्चों। बिल्कुल सबने सही लिखा, स्टेलेट फ्रैक्चर है। एक्चुअली क्या होता है, बॉन जो है मल्टीपल बॉन मल्टीपल लाइनर में फ्रैक्चर होता है, और मल्टीपल लाइनर में फ्रैक्चर कॉमनली जो होता है वो फ्लैट बॉन, वो स्कल हो सकता है, वो पटेला हो सकता है, या ये जो पिक्चर दिख रहा है ये पटेला का है, ये जो दिख रहा है ये स्कल का है, तो दैट वी कैन से पटेला, दैट वी कैन स्कल। जैसे आपने देखा कभी कभी चलती गाड़ी में कांच पे कोई पत्थर मार देता है तो ऐसे ऐसे दरारें पड़ जाती, ऐसे दरारें पड़ जाती है, और डिफरेंट व्यू में दरारें पड़ जाती है, दैट एग्जैक्टली वी कैन से स्टेलेट फ्रैक्चर। अब कहानी समझ में आया होगा बिल्कुल, स्टेलेट फ्रैक्चर का मीनिंग क्लियर, कहां का होता है, दो जगह होता है, एक मेनली जो है स्कल बोन और दूसरा आपके सामने पटेला, जिसको हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं फ्लैट बोन। पांच टाइप्स की बोन होती है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, सिसेमोइड बोन और फ्लैट बोन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, एक फ्रैक्चर दिख रहा है बच्चों, ये जो बोन है ध्यान से देखो बच्चों, ये जो बोन है ये कैल्केनियस बोन है, कैल्केनियस बोन है, और कैल्केनियस बोन का हिस्सा टूट के साइड में हो रहा है, दैट फ्रैक्चर वी कैन से एवल्शन फ्रैक्चर। शुक्रिया अनीता, शुक्रिया मेरा बच्चा अनीता, डोनेटिंग 200 rupees टूवर्ड्स स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट। एक बार फिर से शुक्रिया अनीता, बहुत बढ़िया बच्चा। एवल्शन, हमेशा ये वर्ड याद रखना, एवल्शन जो है समथिंग विल बी रिमूव फ्रॉम बॉडी पार्ट, मतलब आपकी बॉडी पार्ट का टुकड़ा टूट के अलग होना ही एवल्शन कहलाता है। ए फ्रैक्चर विच इज अ स्मॉल पीस ऑफ बोन इज ब्रोकन बट रिमेन अटैच टू द लिगामेंट, मतलब अलग हो गया बट लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ। देखना मेरी बात को बच्चों ध्यान से, ये एक बोन है आपकी, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये दूसरी बोन है, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ेगी, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ेगी, तो जोड़ने का काम जो करता है वो लिगामेंट करता है बच्चों। कौन करता है? लिगामेंट करता है, याद रखना बच्चों।
बॉन और बॉन दोनों आपस में कनेक्ट होती तो लिगामेंट जोड़ता है और बॉन के बाहर होती मसल्स। पर याद रखना यदि बॉन प्लस मसल जुड़ता है तो ये काम करता है टेंडन। कौन करता है? टेंडन करता है। तो बॉन यहां से आप देखोगे ब्रेक तो हो गया, बॉन देखोगे यहां से ब्रेक हो गया, बट अभी भी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई है। दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर वी कैन से एवल्शन फ्रैक्चर, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर वी कैन से एवल्शन फ्रैक्चर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं बता देता बच्चों, ये जो फ्रैक्चर आपको दिख रहा है ये नॉर्सेट का एमसीक्यू, ये जो फ्रैक्चर आपको दिख रहा है ये नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू है। ध्यान से देख लीजिएगा, नॉर्सेट 2021 इमेज आपके सामने, मुझे आप क्विक आंसर पुट करिएगा, फाइंड आउट करिएगा बच्चों, फाइंड आउट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नॉर्सेट 2021 स्पेशल एमसीक्यू आपके सामने है कि ये कौन सा फ्रैक्चर है। मतलब एक तरफ तो बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ और अनदर साइन बॉन्ड जो है वो बेंड हुआ। जिधर टूटा उसके ऑपोजिट बैंड हुआ, जिधर टूटा उसके ऑपोजिट बैंड हुआ। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्रैक्चर? क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, बहुत सुपर। आपने ग्रीन स्टिक लिखा, क्योंकि ये ग्रीन स्टिक एक तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है और ये कॉमनली बच्चों में पाया जाता है। मतलब पूरी बॉन्ड नहीं टूटा हुआ, यहां आपको ठीक से दिख रहा होगा बॉन्ड पूरा नहीं टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ है, बट कैन नॉट से कि ये कंप्लीट है। दिस इज द इनकम्प्लीट। जिधर बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिधर बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑपोजिट साइड बैंड हुआ, ऑपोजिट साइड बैंड हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट फ्रैक्चर वी कैन से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दैट फ्रैक्चर वी कैन से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। A child is admitted with a fracture of femur and placed in the skeletal traction. What should nurse assist first? मतलब पेशेंट आया, उसको फीमर में फ्रैक्चर था और फीमर में फ्रैक्चर के बाद में पेशेंट को ट्रैक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया बदमाश बच्चों? ट्रैक्शन लगा दिया। और ट्रैक्शन लगाने के बाद क्या असिस्ट करेगा? थैंक यू इकबाल, कैरी ऑन बेटा। देखिए, ए चाइल्ड इज एडमिटेड विद अ फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड प्लेस इन अ स्केलेटल ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन प्लेस किया बच्चों, देन व्हाट शुड द नर्स असिस्ट फर्स्ट? सबसे पहले डियर नर्स क्या असिस्ट करेगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, आंसर आपके सामने है। The pull of traction on the pin, beam लिखा, the ace bandage, the pin site for the sign of infection, the dressing for the titan, the dressing for the titan। थोड़ा सोच के आंसर लिखना, मैं हिंट देता हूं। Skeletal traction का मतलब होता है, जैसे ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, ध्यान से देखना बच्चों। Skeletal का मतलब क्या होता है? हम bone के अंदर pins को put करते हैं, पिंस को पुट करने के बाद में बाहर से हम फिक्स करते हैं, इस तरीके से बॉन्ड को अपनी जगह फिक्स करते हैं, फिर यहां पर हम वेट डिलीवर करते हैं, यहां पर हम वेट डिलीवर करते हैं, यहां पुली लगी होती है, दैट इज अ स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल का मतलब हम जब भी पेशेंट को ट्रैक्शन पुट करेंगे, नेल विल इंसर्ट इन टू द बॉन्ड और उन नेल्स में हम क्या करते हैं, वेट को लटकाते हैं। तो आपका यहां आंसर जो है ए लिखा बच्चों ने, स्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई पुल डायरेक्टली टू द स्केलेटल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, टंग पिन वायर। अरे बच्चों आपने फिर गलती किया, द पिन साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? चाइल्ड एडमिट हुआ फ्रैक्चर ऑफ फीमर, प्लेस द स्केलेटल ट्रैक्शन, व्हाट शुड नर्स असिस्ट फर्स्ट? दैट वी कैन से ए, वेट का सबसे पहले। अरे केयर का नहीं पूछा है, केयर का पूछते तो आप लिखते, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, ये रट्टू तोते बन गए नालायक यहां पर, फिर ये गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन को नहीं समझे आप। एक चाइल्ड एडमिट हुआ फ्रैक्चर ऑफ फीमर था, उसको स्केलेटल ट्रैक्शन पे प्लेस किया, डियर नर्स सबसे पहले क्या देखेगी, पहले क्या देखेगी? द पुल ऑफ ट्रैक्शन ऑन द पिन, क्या पिन के टूवर्ड्स ट्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, ये लिखा बच्चों। आपने वो पिन केयर वाला रट रखा नालायकों ने, देखो फिर गलती किया, फिर गलती की है, क्वेश्चन को नहीं समझने की कोशिश करते हो। पिन केयर आगे आएगा, पिन केयर जब पूछेंगे, जब इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए डियरनेस क्या करेगी, तो वहां पिन केयर लिखना। कोई रटे हुए क्वेश्चन को हर जगह आंसर नहीं पुट करते, बार बार समझाया कि आपको जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इजी लगे वहां पर रुक जाना है, आसान नहीं होते क्वेश्चन। जब भी आपको क्वेश्चन आसान लगे, इजी लगे, तो थोड़ा रुकना है, फिर से पढ़ना है,
कि क्या सच में मैं सोच रहा हूं वही पूछा जा रहा है क्या? थोड़ा वेट करना वहां पर, बट ड्रग रखा है पिन केयर, और मुझे पता था गड़बड़ करोगे तुम, तब ये क्वेश्चन डाला मैंने। आदतों को सुधारना है, आपको 100% आंसर आता हुआ भी गलत करते हो, और ऐसे 4 से 5 गलतियां आपको सिलेक्शन से निकाल देती है। सुधार करिएगा अगली बार, अब वक्त कम है अपने पास, 25 दिन बचे हुए, गलतियां एक्सेप्ट नहीं है, हर एक गलती आपको नुकसान पहुंचाएगी। सुधार करिएगा, सब्र करिएगा, 2 बार पढ़िएगा, फिर आंसर लिखिएगा। कब अकेला आएगी नाला को, कितनी बार समझाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इमेज आपके सामने, और यहां पर ध्यान से इमेज को देखने की कोशिश करना, फिर जल्दीबाजी मत करना। बॉन्ड को देखिएगा, यहां पर एक बॉन्ड ऐसे है, दूसरी बॉन्ड डाउन से आ रहा, बॉन्ड ऐसे फिट हो रखा है, ऐसे फिट हो रखा है, फाइंड आउट करिएगा, फटाफट पुट करिएगा। इस इमेज को देखिएगा, नहीं तो मार पड़ेगी। इमेज को देखिएगा और सही आंसर पुट करेगा बच्चों, ये कौन सा टाइप्स का फ्रैक्चर है, एग्जाम का क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर। फटाफट आंसर लिखिएगा, दैट वी कैन से इंपैक्ट फ्रैक्चर बच्चों, दैट वी कैन से इंपैक्ट फ्रैक्चर। एक्चुअली क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरी बॉन्ड उसके ऊपर पुल आ जाती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में, एक मैंने बताया था बच्चों इनटू सस्सेप्शन, जब इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनटू सस्सेप्शन, मतलब एक इंटेस्टाइन के अंदर दूसरा आके फिट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से याद रखना, ठीक उसी तरीके से याद रखना, बॉन्ड टूट गई, दूसरी वाली बॉन्ड के पार्ट में जाकर फिट हो गई, दैट वी कैन से इंपैक्ट फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, इंपैक्ट फ्रैक्चर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, जाम हो जाना, जाम्ड इनटू द ईच अदर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मैंने इमेज आपके सामने पुट किया है, ये जो दिख रहा है रेडियल बॉन्ड का फ्रैक्चर है, ये रेडियल बॉन्ड का फ्रैक्चर है, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियल बॉन्ड में भी डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल का मतलब दूर वाला, डिस्टल का मतलब बच्चों दूर वाला। यर यू कैन सी ये रेडियल बॉन्ड का फ्रैक्चर है, डिस्टल का मतलब थंब की तरफ वाला है। इस फ्रैक्चर को क्या कहेंगे, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर। ऑप्शन देखिएगा, स्मिथ फ्रैक्चर, कुलीज फ्रैक्चर, देन गोयांड फ्रैक्चर, प्लाटू फ्रैक्चर। अब आपको आंसर पुट करना, सही क्या होगा बच्चों, सही क्या होगा, आपको आंसर पुट करना है। इमेज आपके सामने, मैं यहां पर दोनों बताने वाला हूं, आपको कुलीज भी समझेगा और आपको स्मिथ भी मिलेगा बच्चों। शुक्रिया गौरव, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, ए बी सी डी। ज्यादातर बच्चों ने स्मिथ लिखा है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूं बच्चों, दो इमेज आपको दिख रहा होगा, पहली बात तो ये दोनों जो है रेडियल, और रेडियल में भी याद रखना डिस्टल रेडियल बॉन्ड फ्रैक्चर है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से बॉन्ड का फ्रैक्चर है, तो डिस्टल लिखना, डिस्टल का मतलब दूर वाला पोर्शन रेडियल, और दूर वाला किधर होगा बच्चों, रिस्ट की तरफ होगा। ओके फाइन, अब क्या लिखा है, स्मिथ, स्मिथ में क्या आता, आई, और आई से याद रखना बॉन क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा, ये याद रखना बच्चों, स्मिथ में आई रखना, आई से याद रखना बॉन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, बॉन टूट के अंदर की ओर चला जाएगा, दैट वीकेंस स्मिथ, दैट वीकेंस स्मिथ। और याद रखना बच्चों कुलीज में क्या आता है, ओ, कुलीज में आता ओ, और ओ से याद रखना आउटवर्ड, ओ से याद रखना आउटवर्ड, मतलब बॉन ब्रेक होगा और बाहर की ओर चला जाएगा, ये हिस्सा देखिएगा, दैट वीकेंस ए कुलीज फ्रैक्चर। बड़ा आसान है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गलत मत करना, याद रखने का तरीका बता दिया। आई आता तो याद रखना स्मिथ, और स्मिथ से याद रखना इनवर्ड, इनवर्ड याद रखना बच्चों, इनवर्ड याद रखिएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आई होप कि आप सही आंसर पुट करेंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, DMER, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, स्टाफ नर्स वैकेंसी बच्चों, हरियाणा वाले बच्चों के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर आगे चलता हूं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर,
हरियाणा वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी आ रखी है डीएमआर की, बच्चा याद रखना परमानेंट नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, और ये स्टेट गवर्नमेंट की है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए कोर्स का प्राइस 3499 है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल बच्चों। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको सीधा JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना, मेल आईडी से लॉगिन करना, कोर्स को परचेज कर सकते हो, या फिर बच्चों 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एक इमेज आपको दिख रहा है, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। ये पे जो दिख रहा है बोन, आपके पास फिबुला भी दिख रहा है, आपको टीबिया भी दिख रहा है, आपको टेलस भी दिख रहा है। यहाँ पर फिबुला भी गया हुआ है, टीबिया भी गया हुआ है। अब कुछ आइडिया लगाइएगा, कुछ आइडिया लगाइएगा, ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर होगा, ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर होगा। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शाबाश बहुत बढ़िया रीना। ओके फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज को देख करके आंसर पुट करेगा। जहां पर मैंने टेलस को शो किया, टेलस जो है वो टार्सल बोन है, वही टीबिया फिबुला मैंने दोनों लॉन्ग बोन है लोअर एक्सट्रीमिटीज की, आपके सामने इमेज पुट किया, आंसर पुट करेगा बच्चों। ओके फाइन, पोर्ट्स फ्रैक्चर बहुत बढ़िया, कभी कभी आपने सुना होगा पोर्ट सिंड्रोम भी सुना होगा, पोर्ट्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं, पोर्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। सिंपल है, पहली बात तो ये फ्रैक्चर याद रखना पोर्ट से, ये लेग में होगा, पैर में होगा, ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, ये लेग में होगा, प्लाटू नहीं होगा, प्लाटू टीबिया का फ्रैक्चर है, प्लाटू टीबिया का फ्रैक्चर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू पुष्पा। तो ये फुट में होता है, इसमें क्या होगा कंबाइंड अडक्शन। देखिए अबडक्शन का मतलब होता है अवे, अबडक्शन का मतलब होता है अवे, इंजरी कॉज बाय कंबाइंड अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन फ्रॉम द एवर्सन फोर्स। एवर्सन का मतलब होता है आउटसाइड, देखिए एवर्सन, एवर्सन इनवर्सन होता है आउटसाइड, मतलब आप सीधे खड़े हो और आपका पैर जो है बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। इसमें देखना आप, ये पैर जो है ये बाहर की ओर मुड़ा है, ये टीबिया है, ये फिबुला है। जब आपका पैर बाहर की ओर मुड़ेगा, देखिए पैर बाहर की ओर मुड़ेगा तो ट्विस्टिंग होगा, और ट्विस्टिंग होगा तो दोनों हड्डियां टूटेगी, दोनों हड्डियां टूटेगी। दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर वी कैन से पोर्ट्स फ्रैक्चर बच्चों, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर वी कैन से पोर्ट्स फ्रैक्चर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इट मे बी आस्किंग, कभी कभी सीधा भी पूछते हैं पोर्ट्स फ्रैक्चर और पोर्ट सिंड्रोम कहां पर होता है। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि वो पैर में होगा, हाथ में होगा, ये तो हम मेंशन कर ही सकते हैं, तो हम फुट लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा और इजी है ये, इसमें इन्होंने क्या किया है आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये जो बोन दिख रही है कार्पल बोन है, ये जो बोन दिख रही है कार्पल बोन, ये जो दिख रही है दैट वी कैन से मेटाकार्पल, और ये यहां से बोन टूटा हुआ है। तो अब आइडिया लगा कि आप मुझे बताएं ये कौन सा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होगा, कौन सा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन, फटाफट आंसर लगे, फटाफट आंसर पुट करिएगा। मैंने हिंट नहीं दूंगा, मैंने क्लियर बता दिया ये कार्पल बोन दिख रहा है, दूसरा मैंने यहां पर आपको हिंट दिया कौन सा फ्रैक्चर होगा। बच्चों ने लिखा है यहां पर पोर्ट्स हर जगह नहीं होगा बच्चों, पोर्ट्स हर जगह नहीं होगा, पोर्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, कुछ आइडिया लगाइएगा फिर, तो फिर मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली दैट वी कैन से बिनट फ्रैक्चर, बिनट फ्रैक्चर। देखिए ये होगा फर्स्ट मेटाकार्पल, मैंने कहा ये कार्पल बोन है, ये है फर्स्ट मेटाकार्पल, और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का ब्रेक जो डाउन हो रखा है दैट वी कैन से बिनट फ्रैक्चर। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिनट फ्रैक्चर कहां होता है, जैसे मैंने पोर्ट्स का बताया तो पोर्ट्स में आप फुट लिखते हो, लैग लिखते हो, पोर्ट्स में फुट लिखते हो, लैग लिखते हो, तो दैट वी कैन से आप लिख सकते हो बिनट फ्रैक्चर। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि वेन द क्लाइंट लाइंग सुपाइन, ध्यान से देखना, वेन द क्लाइंट जो है लाइंग सुपाइन द नर्स विल प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब पेशेंट को जो है सीधा लेटा हुआ, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, और डेफिनेटली जब आपका बोन फ्रैक्चर होता है ना, तो फ्रैक्चर होने के बाद बोन बाहर की ओर रोटेट होता है, बाहर की ओर रोटेट होता है, और रोटेट होकर के बोन की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, बोन की लंबाई जो है वो शॉर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन भी यही पूछ है कि जब पेशेंट सीधा लेटा हुआ है और बोन को बाहर रोटेट होने से रोकने के लिए, बोन को बाहर रोटेट होने से रोकने के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्या हम ट्रोकेंट रोल को पुट करते हैं बाय द नी,
क्या हम सैंड बैग को लेटरल काप में पुट करते हैं या टोकन रोल को थाई में पुट करते हैं या फुटबोर्ड को लगाते हैं। देखिए फुटबोर्ड तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये डोर्सो फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब जैसे ही आपका ये पैर है तो पैर जो है पंजा आगे की ओर ना गिरे, इसके सपोर्ट लिए हम क्या लगा देते हैं, फुटबोर्ड। क्या लगा देते हैं, फुटबोर्ड। तो ये डी तो होगा ही नहीं, डी को होगा ही नहीं। दूसरा बच्चों, सैंड बैग जो है, सैंड बैग किसी भी एक्सट्रीमिटीज को इमोबिलाइज करने में लगाते हैं, इमोबिलाइज करने में लगाते हैं। तो ये भी नहीं हुआ, सैंड बैग भी नहीं हुआ। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वो आपको राइट फुट करना है। सी आपने लिखा है, चोक एंड रोल टू द थाई। देखिए बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि हमें सबसे टॉप जो पोर्शन होता है बॉडी का, लेग का, वहां पर पुट करना होता है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये थाई के जस्ट नीचे ट्रोकेंट रोल पुट किया हुआ है और इसका काम है लेग को एक्सटर्नली रोटेट होने से रोकना, लेग को एक्सटर्नली रोटेट होने से रोकना। दैट इज अ पर्पस टू पुटिंग माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नर्स इज अ कैरिंग फॉर द क्लाइंट विद द कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ अ टीबिया एंड फिबुला, स्केलेटल ट्रैक्शन इज अप्लाई विच ऑफ द दिस प्रायोरिटी नर्स इंक्लूड द केयर ऑफ प्लान। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, फिर हिंट दे रहा हूं कि डियर नर्स इज अ कैरिंग फॉर द क्लाइंट विद द कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया एंड फिबुला, स्केलेटल ट्रैक्शन इज अप्लाई विच ऑफ दीज प्रायोरिटी, विच ऑफ दीज प्रायोरिटी नर्स शुड इंक्लूड प्लान ऑफ केयर, नर्स शुड इंक्लूड प्लान ऑफ केयर। यहां पर आंसर पुट किया हुआ है, ऑर्डर टू ट्रेपेजियस टू इंक्रीज द क्लाइंट एम्बुलेंस, मेंटेन द क्लाइंट अ फ्लैट सुपाइन पोजिशन एट ऑल टाइम, देन प्रोवाइड पिन केयर एट लीस्ट एन आवर, देन लिखा है प्रमोट ट्रैक्शन वेट फॉर 20 मिनट्स। ये क्वेश्चन आपने रट रखा था और पिन केयर की जरूरत यहां थी, आपने पहले ही कर दिया। और पहले नहीं करते तो डांट नहीं खानी पड़ती। अब यहां पर पिन केयर, यहां क्या पूछा है, प्रायोरिटी नर्सिंग केयर, या डियर नर्स का नर्सिंग केयर पूछा है प्रायोरिटी वाला। अब वो वहां यदि आप आंसर को आराम से पकड़ रखते तो यहां काम आ जाता है ना। बट जरूर से पहले गोला फेंका, इसलिए डांट पड़ी। गलतियां मत करो, डांटनी पड़ेगी। गलतियां करोगे तो डांट खानी पड़ेगी बच्चों। तो यहां पर आपका आंसर अब सही है। अब जो जल्दीबाजी कर रहे थे ना, उनके लिए ये क्वेश्चन मैंने पुट कर रखा है, प्रोवाइड पिन केयर एटलीस्ट एवरी आवर टू प्रिवेंट डेवलप डिपोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए कि इमेज आपको दिख रहा होगा बच्चों को, ये मैं हिंट देता हूं, स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। ये जो है ये स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। यहां पर मैंने स्किन ट्रैक्शन पुट किया हुआ है और एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट करने की कौन सा ट्रैक्शन है ये आपको पता लगाना है। तो आप आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा, विच ट्रैक्शन विल पुटेड हियर विल यूज, कौन सा ये ट्रैक्शन होगा। बिल्कुल सही आंसर, दैट इज अ बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन यूज्ड फॉर अलाइवेट मसल स्पाजम। जहां पर हम स्किन ट्रैक्शन की बात करें बच्चों, हमेशा स्किन ट्रैक्शन का यूज मसल स्पाजम को कम करने में होता है। वेट मोर देन 8 to 10 pounds जो हम नहीं पुट करते हैं, वेट जो है देखिए 1 kg, मैंने उस दिन भी कहा था 1 kg बराबर 2.2 pounds होता है, 1 kg बराबर 2.2 pounds होता है। तो वेट जो है 8 to 10 pounds से ज्यादा पुट नहीं करेंगे माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सेलेक्ट ऑल साइन एंड सिम्टम दैट विल प्रेजेंट इन अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। थोड़ा सोच के आंसर देना बच्चों, सेलेक्ट ऑल द साइन और सिम्टम विच इज कमिंग इन टू द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। देखिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है ये बोन फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है, बोन फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है। सभी साइन कंपार्टमेंट सिंड्रोम के सेलेक्ट करना है। ऋषिकेश एम्स वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कैपिलरी रिफिलिंग लेस देन 2 seconds, पार्लर पेन रिलीफ विद द मेडिकेशन, फीलिंग ऑफ टिंगलिंग इन एक्सट्रीमिटीज,
affect extremity feel cooler and touch than the unaffected extremities. Option आपके सामने. Quick put करेगा बच्चों. Quick put करेगा my loving future nursing officer. Which is the right answer? Which is the right answer? क्वेश्चन को पढ़िएगा. क्वेश्चन क्या कहता है कि सेलेक्ट करना वो साइन और सिम्टम जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्रेजेंट होते हैं. एम लिखा, देखिए एम लिखा कैपिलरी फिल लेस देन टू सेकंड. नॉर्मली यदि मैं बात करूं तो नॉर्मली कैपिलरी जो है वो टू सेकंड्स में रिफिल हो जाती है. तो ये तो नॉर्मल हो गया. ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम का सिम्टम तो नहीं है. पैलर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो सकता, पेन रिलीफ विद मेडिकेशन, ये साइन है ही नहीं. ये साइन कैसे हुआ? दर्द था वो मेडिकेशन के साथ रिलीफ हो रहा है. तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? बी डी ई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्सेट स्पेशल क्लासे आपकी लगातार चल रही है. आज जो है आपका एमएसएन का क्लास हुआ, कल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्लास है. कल ठीक 3 बजे ये शेड्यूल हम लगातार फॉलो कर रहे हैं. और इस शेड्यूल से यदि टाइम नहीं मिला बच्चों, वी विल रेडी टू टेक एक्स्ट्रा क्लास. यू विल बी रेडी यदि इसके अंदर ये प्लान्ड सिलेबस का कंटेंट पूरा नहीं दे पाए तो आपके लिए टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा. आपको तैयार रहना है. हमें ये पूरा कंटेंट जो आपके लिए प्लान किया आपको देना है. एनी हाउ आप तक डिलीवर करना है, तभी आपके सिलेक्शंस मिलेंगे बच्चों. तो यू विल बी रेडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. कल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास होगी, ध्यान रखिएगा कल से 26 तारीख से बच्चों. ओके फाइन. नेक्स्ट आपको पता होगा फ्री मॉडल पेपर टेस्ट रिस्टार्ट हो रही है. 28 तारीख को पहला पेपर है. आपको करना क्या है? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके रखना है. जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां रेटिंग देना होता है बच्चों. और आपको 5-स्टार रेटिंग देखना है बच्चों. 5-स्टार रेटिंग देके अपना रिव्यू या व्यू जरूर लिखना. अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा. और उसी ऐप में ये एग्जाम कंडक्ट होगा. और मैं बता देता हूं बच्चों, कम से कम 10,000+ बच्चे इस एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं. और आपको पता चलेगा वेयर वी आर. तो याद रखना 5 वो मॉडल पेपर जिसमें 180 MCQ नर्सिंग के, 20 MCQ अदर सब्जेक्ट के. मेगा ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होने वाला है. आपको ऐप को डाउनलोड करके, रेटिंग देख करके, अपना रिव्यू लिख करके तैयार रहना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. तो आज की ये जर्नी यहीं तक थी. कल फिर मुलाकात करूंगा एक और नई एनर्जी के साथ. अपना ख्याल रखिएगा, अपना माँ बाप का ख्याल रखिएगा, बड़ों का रिस्पेक्ट करना. याद रखना बच्चों, माँ बाप का सपना जो आप और हम मिलकर 2021 में पूरा करने वाले. खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, मुसीबत से डरना मत, प्रॉब्लम से भागना मत, पैदान पे लगातार डटे रहना. अगला वक्त अपना आने वाला बच्चों. अपना ख्याल रखिएगा, खुशी का. कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.